कि मैं नॉर्मली एल्गोरिथम में ट्रेडिंग करता हूँ, क्योंकि जनता का जो सोच होती है बड़ी छोटी सोच होती है, हमें बस एक स्ट्रैटेजी मिल जाए वो ट्रेडिंग हो जाए ठीक है। इनफैक्ट मेरा जो कोर एरिया है वो शुरू से ही मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग रहा हुआ है। ट्रेडिंग में अभी इतना ज़्यादा हमारा फोकस नहीं है, टूल्स में भी ज़्यादा हमारा फोकस नहीं है। कुछ साल पहले तक हमारा इस पर हुआ करता था, मुझे बिल्कुल भी कुछ आइडिया शेयर्स होता है क्या हम, क्योंकि जब भी हम आईटी से होते हैं कहीं और बैकग्राउंड से होते हैं तो हम लोग नॉर्मली इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं, हमें बुकिंग करना नहीं आता, हमें कभी इन्वेस्ट करना आता है, तो उससे हमने स्टार्ट किया था। हाउ डू वी डिफाइन सच अ टाइम कि नहीं अब ये चीज चेंज हो गई हुई है, अब हमें डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है? तो इनफैक्ट इसके लिए अगर आप देखो कि जिस ढंग से हम लोग करते हैं सोनी कलफॉर्म में करते हैं, हमारी बैंक ट्रेसिंग सारी इन हाउस होती है, हमारी एक भी बैंक ट्रेसिंग कोई भी थर्ड पार्टी पे नहीं। सो हेलो गाइस, टुडे वी हैव विद अस मिस्टर संतोष कुमार पासी। संतोष इज फाउंडर ऑफ पासी टेक्नोलॉजीज एंड को फाउंडर ऑफ सोनी कालफा। ही इज अ रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट विद सेबी। ही इज एन ऑप्शन ट्रेडर, ही इज डूइंग एल्गो ट्रेडिंग। सो वी हैव हिम विद अस टुडे टू टॉक अबाउट एल्गोरिथम ट्रेडिंग विद यू। सो वेलकम संतोष जी, हाउ आर यू? थैंक यू रोहित भाई, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल चंगा मस्त है, ऑल दो मार्केट थोड़ा सा चंगा नहीं दे रहा है पिछले हफ्ते निफ्टी उसके भी हफ्ते पहले निफ्टी ने काफी ऊपर नीचे कर रखा हुआ है, तो मार्केट तो ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन हमने थोड़ा सा चंगा है, चल रहा है, ऑल गुड। ओके, सो व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न टुडे, दैट इज माय क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल है, अच्छा था, सो रियली गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट आप जानते हो कि मैं नॉर्मली एल्गोरिथम ट्रेडिंग करता हूँ, इनफैक्ट काफी जनता जानती है पिछले कुछ सालों से कि हम एल्गो में ट्रेड कर रहे हैं, तो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। आपको एक नया एल्गो सॉल्यूशन बनाना है, एक नया प्लेटफॉर्म बनाना है एल्गोरिथम के लिए, तो आपके पास क्या क्या होने चाहिए, क्योंकि जनता का जो सोच होती है बड़ी छोटी सोच होती है, हमें बस एक स्ट्रैटेजी मिल जाए वो ट्रेडिंग हो जाए ठीक है। तो बोले क्या हमें एक स्ट्रैटेजी चाहिए या हमें बहुत कुछ लगता है, तो हम उसकी बात करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। बिफोर हम स्टार्ट करते थोड़ा सा हमें रेगुलेटर्स का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे आपने बताया कि ऐसे भी रजिस्टर्ड हूँ ठीक है, तो लेट मी क्विकली मूव। हम सबसे पहले आ जाते हैं कि रेगुलेटर्स की बात करते हैं, नेसेसरी डिस्क्लेमर एंड डिस्क्लोजर ठीक है। तो पहली बात, एज आपने बताया कि हम भी रजिस्टर्ड हैं चैलेंजेस, सो ये डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर हमें देना पड़ता है। तो सबसे पहली दो लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज ऑल रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। Second, for any decisions given here, example given here is only an example and not a recommendation to do a trading. ठीक है, ये दो हमारे रेगुलेटर की तरफ से। इनफैक्ट मेरी जो सबसे स्ट्रॉन्ग बिलीव थर्ड लाइन पे है कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हो यू कैरी सम अमाउंट ऑफ द रिस्क, अगेंस्ट दैट आपको रिवॉर्ड मिलता है एंड देयर इज नो अश्योर रिटर्न्स। ऐसे मार्केट में कुछ जो जनता बोलती है तुक्का डालती है मार्केट में, पे स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए, आपके पास प्रोसेस होनी चाहिए, तभी आपका रिटर्न आएगा, वो आपके पास रिटर्न नहीं आएंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। तो थोड़ा सा आपने इंट्रोड्यूस कर रखा हुआ था, तो आई एम पॉजिटिव न्यूज का फाउंडर हूँ, देन आई एम को फाउंडर ऑफ सोनी कलफा का हूँ, उसके बाद सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। सो टेक्निकली आई कैन गिव द एडवाइस, आई कैन गिव द टिप्स, बट नॉर्मली वंस आई डू राइट आर्टिकल्स फॉर द मीडिया हाउसेस, तो वहाँ पे ये काम आ जाता है। एंड देन जैसे आप जानते हो कि आई एम एल्गो ट्रेडिंग, इनफैक्ट मेरा जो कोर एरिया है वो शुरू से ही मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग रहा हुआ है, स्पेशली वोलेटिलिटी के बेस पे, तो उसको हमने इवॉल्व करके हम एल्गो में भी डाल चुके हुए हैं। वैसे क्वालिफिकेशन वाइज हम MBA MCA प्लस सीसा, सो हम लाइक ऑडिटर ऑल्सो, सिक्योरिटी सीसा इज अ सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर, सो स्टिल मेरी साइनिंग चलती है क्योंकि हम स्टिल ऑडिटर, तो वो मैंने अपने पास रखा हुआ अभी भी। प्लस आई डू कंडक्ट वर्कशॉप्स, कुछ एक्सचेंज के लिए भी करते हैं, कुछ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के लिए करते हैं, के लिए भी थोड़ा बहुत मैं करता रहता हूँ, बट हमारा जो मेजर ब्रेड एंड बटर है वो हमारी ट्रेडिंग से होती है ठीक है। पॉजिटिव जैसे मैंने पता कि ट्रेडिंग की दुनिया था, हम टीम में ही काम करते हैं, पहला टी दूसरा टी तीसरा टी है, तो पॉजिटिव दो टीम में काम करती है, एक तो हमारी टूल्स हो जाता है और दूसरा हो जाता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में अभी इतना ज़्यादा हमारा फोकस नहीं है, टूल्स में भी ज़्यादा हमारा फोकस नहीं है। कुछ साल पहले तक हमारा इस पर हुआ करता था, वो जब से हम अल्गो में आ गया हमारा ज्यादा फोकस अल्गो में आ गया, तो सोनी कल्फा जो हमारी नई एंटिटी है उसमें हम को फाउंडर, वहाँ पे हमारा फोकस होता है कि नए नए स्ट्रेटजीज को बनाना, कौन स्ट्रेसिंग कंपनी, नए नए जो टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, नए नए जो सिंबल्स आ रहे हैं, डेली से वीकली जो हो चुका है उस पर रिसर्च करना, उस पर हमें स्ट्रेटजी बनाना, खुद की ट्रेडिंग करना, तो हमारा मोटा मोटा जो बड़ा फोकस है वो है सोनी कल्फा का। आज का जो है चेंजेस बताते हैं, बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया हुआ ठीक है। सो वी हैव स्टार्टेड, अगर मेरी जर्नी देखा जाए तो हमने 2004 से शेयर मार्केट की दुनिया में आया हूँ। इनफैक्ट मेरी भी आई थिंक आप बैकग्राउंड शुरू में ट्रेडिंग नहीं था, जहाँ तक मुझे आइडिया है, करेक्ट रोहित जी? जी हाँ।
तो सेम ये कि हमारा भी बैकग्राउंड ट्रेडिंग नहीं था, इनफैक्ट डैड तो डिफेंस में थे, तो मुझे ट्रेडिंग वेडिंग बिजनेस का कुछ भी बिल्कुल भी सेंस नहीं था। इनफैक्ट माँ 2004 में का मुझे पूछा जाता था, मैं लोगों को बोलता हूँ कि कहाँ पे अब छुआ करने जा रहे हो आप। मैं जो यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ, आपने भी पहले कैश में ट्राई किया, फिर उसके बाद यू वेंट इनटू डेरिवेटिव एंड बैक इन 2012 यू वर इनटू सेमी एल्गोस। करेक्ट 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 यार, तो आते वहां पे तो 2004 में जैसे हमारी जो सैलरी अकाउंट होता था वहां पे ऑफर आता है कि सैलरी के साथ आप डिमांड अकाउंट भी करो, 3-in-1 जो भी कंसेप्ट होता था वहां पे हमने ओपन कर रखा था। इनफो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता शेयर्स भी कैसा लेना है, तो जिसने डिमांड अकाउंट ओपन किया था उसने मुझे फर्स्ट शेयर बोला था संतोष भाई के लिए, मानो भाई के लिए जो आपको चलाते हैं, तो उस समय उसने बोला सबसे जो महंगा शेयर चला था उस समय निफ्टी 50 में HDFC बैंक, उसने बोला वो भाई कर लो, बोला कर लो वही भाई। सो दैट वॉज अ वे वी स्टार्टेड 2004 में। इनफैक्ट मुझे बिल्कुल भी कुछ आइडिया शेयर होता है क्या हम, क्योंकि जब भी हम IT से होते हैं कहीं और बैकग्राउंड से होते हैं तो हम लोग नॉर्मली इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं, हमें बुकिंग करना नहीं आता, हमें क्या इन्वेस्ट करना आता है, तो उससे हमने स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे जब 2009 में पहुंचे तो फिर थोड़ा सा और वही जो RM थे वहाँ पे ब्रोकरेज हाउस के, वो बुला के मुझे बताया कि ऑप्शन होता है, ऑप्शन में थोड़ा करो, देखो कल मैंने ये दिया था दुगना हो गया, बोला यार ये था पढ़ो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, लेट मी ट्राई थोड़ा सा हाथ कर लेते। तो फिर वहाँ से ऑप्शन की दुनिया में या फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की दुनिया में शुरुआत हो गई थी लगभग 2008-09 में। लेकिन फिर कुछ ही समय में समझ में आ गया बेटे ये आपकी बस की बात नहीं है, जो लॉन्ग करते हो वो अगले दिन ही हाफ हो जाता है, फिर उसका आप उसको डबल क्वांटिटी डालते हो उसके बाद जाके वो और भी हाफ हो जाता है। सो फिर बोला ना इसमें कुछ हमें सिस्टमेटिक ढंग से करना पड़ेगा, हमें कुछ तो गैप है यहाँ पे, तो वी हैव टू टेक सम काइंड ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साल में आपके सामने जो बैठे हुए काफी प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, कोई अरे गरे नहीं बैठे हुए, आप उनसे फाइट करें, तो यू हैव टू हैव रियली गुड साउंड नॉलेज तो होनी चाहिए। तो उसके बाद भी काफी हमने स्टडी की, इनफैक्ट जो ऑनलाइन ट्रेडिंग अकेडमी थी जो शेर खान के पार्टनरशिप में जो चलती थी उस जमाने में, आई थिंक अभी भी चलती है, तो वहाँ पे वी टुक द प्रॉपर ट्रेनिंग मैंने लिया, कि मैंने बोला जहाँ भी जाना है, मेरी आदत है कि जहाँ भी किसी भी फील्ड में जाने तो पहले एक बार उसका बेस मजबूत बना लो। सो देयर आई स्पेंड सम टाइम, उसके बाद फिर प्रॉपरली वी स्टार्टेड ट्रेडिंग दो। इनफैक्ट वहाँ पर फोकस था नॉर्मली इनकी कोर स्ट्रेटेजी होती है डायरेक्शनल बैट होती है, तो शुरुआत उससे किया था, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे मेरी स्टाइल समझ में आ गई बेटा आप नॉन डैशिंग बने हो, डैशिंग बने ही नहीं है, तो आपको इवॉल्व आपको जानना पड़ेगा कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, क्या आप फास्ट ट्रेडर हो, स्लो ट्रेडर हो, आप स्विंग में जा सकते हो, स्कैल्पिंग में जा सकते हो, या आप ऑप्शंस के लिए बने हो या फ्यूचर्स के लिए बने हो, ऑप्शन में भी क्रेडिट के लिए, बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए, तो आपको खुद को आइडिया निकालना पड़ता है कि कुछ अटेम्प्ट करके कि आप पर्सनैलिटी में सूट हो रहा नहीं हो। तो मैंने देखा कि यार डायरेक्शन स्ट्रेटेजी मेरे बस की बात नहीं है, वो जमता ही नहीं है, सो स्लोली स्लोली वी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द नॉन डायरेक्शनल की तरफ। फिर 2012 में सेमी अल्गो बेसिकली वोट मीन्स के उस जमाने में तो हमारा API ऐसा कुछ होता नहीं था, ठीक है, बट हमारे पास अमी ब्रोकर होता था, क्योंकि जब मैंने डायरेक्शन बनाया था, चार्ट बनाया था, तो मैंने काफी अपना डेटेस को अपने अमी ब्रोकर में रखा था, जहाँ पे वी यूज टू राइट अवर ओन काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी अमी ब्रोकर में कि ये कंडीशन मैच कर गया तो मुझे ये सिग्नल दिखा देना। तो उस समय में क्या होता था कि वो सिस्टम पे मुझे साउंड का अलर्ट आ जाता था, तो मैंने वैसे अलर्टिंग कर रखी थी 2012 के करीब में कि जब भी कुछ सिग्नल्स आ जावे तो मुझे जो से भी बचता था, भले ही मैं इस में हो या उस में हो, बड़ी सी भी बचती थी, और फिर वहां से हम लोग का वहां जाकर बैठ के ऑर्डर्स लाता था। तो दैट इज द वे वी स्टार्टेड अ सेमी अल्गो की जर्नी 2012 में, जिसमें काफी स्ट्रेटेजी बनाते बनाते लगभग 2015 तक हम स्ट्रेटेजीज भी बना रहे थे उसमें, बट इसमें एक ही कैच था उस जमाने में कि आपके आप अंडरलाइन पे बना सकते हो ट्रिगर्स, बट अनफॉर्चुनेटली ऑप्शन का वो कुछ ज्यादा सपोर्ट नहीं था, क्योंकि ऑप्शन में तो मुझे स्ट्रेटेजी का कंबाइंड बनाना है, पे ऑफ बनाना, तो दैट वॉज अ बिट डिफिकल्ट चैलेंज। और तो आप निफ्टी पे बना सकते हो आप, इनफैक्ट ओवरसीज में भी मैं था काफी दिनों, तो करेंसी ट्रेडिंग भी थी, क्योंकि आई वॉज अनदर काइंड ऑफ थिंग फॉरेन, आई वॉज ऑन अ वर्किंग वीजा ऑन ओवरसीज, तो वहाँ पे भी हमने कुछ कुछ बना रखा था अलर्ट कि मुझे करेंसीज पे भी मुझे अलर्ट आ जा रहे, सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स वी यूज टू डू। बट वेन आई वॉज बैक इन इंडिया अराउंड 2015 में, तो फिर हमने बोला नहीं अभी ये सेमी अल्गो का छोड़ो, अभी लेट्स गो प्रॉपरली इन द वर्ल्ड ऑफ ऑप्शंस की ही दुनिया में, कुछ हमें डायरेक्शन बेट लेना ही नहीं, हमें नॉन डायरेक्शन बेट में जाना है, जहाँ पे जैसे हमने बताया कि ऑप्शन में ग्रीक्स क्या क्या होता है, डेटा होता है, वीगा होता है और थीटा होता है, तो डेटा किसके लिए होता है, डायरेक्शन पे होता है, मैं बोला डायरेक्शन तो मेरे बस की बात नहीं है, तो फिर मैंने मेजर फोकस किया वेगा पे कि आप वेगा को गुरु बनाते हैं, सबसे पहले मेरी टॉप पे वेगा आता है, उसके बाद ही थीटा आ जाएगा, फिर फाइनली आखिरी में डेटा, दैट इज अ सीक्वेंस आई टिपिकली फॉलो, क्योंकि मुझे पता है कि डेटा आप चाहे कितने भी चंगा हो, कितना भी बढ़िया हो, वो अगले दिन टूट जाता है, ठीक है, कोई भरोसा होता नहीं है,
वेगा पे आई कैन पुट सम काइंड ऑफ कंफर्ट कि यार इसको गुरु बना लो, उसको ही चेले बन जाओ और वेगा को ही फॉलो करो या वोला टीडी को ही फॉलो करो। तो मेरी जितनी भी स्ट्रेटेजीज होती है सारे वेगा के अराउंड में होती है, बेस ऑन की वोलाटिलिटी हाई है, वेरी हाई है, न्यूट्रल है, लो है, वेरी लो है, उसके हिसाब से हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। देन उसके बाद मल्टी ऑर्डर्स जो बाकी ग्रीक्स थे वो सारे पीछे उसमें आ जाते हैं। तो दैट वाज वे बैक 2012। फिर 2015 में वी स्टार्टेड, अगर आपको पता होगा कि मेरा एक टूल भी ऑप्शन हो रहा है, तो हमने उस पर भी काफी ग्रीक्स के कैलकुलेशन, काफी कस्टमाइजेशन किए बेस ऑन द हमारे इंडियन मार्केट के हिसाब से। इनफे मेरे पास कुछ कस्टमाइज वर्जन ऑफ ऑप्शन ओरेकल है जिसमें कुछ अदर हाई लेवल के ग्रीक्स को भी वो बता देता है। इनफैक्ट मुझे खुद सिग्नल देता था कि बेटे आपका भी ट्रेड में काफी लॉस हो गया, बुक कर डालो, या काफी ग्रीन हो चुका हो, उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करो, आप यहाँ पे ग्रीन कर डालो, या आपका जो ग्रीक्स है वो ग्रीक्स हिल चुका हुआ है। तो इट गिव्स मी सम काइंड ऑफ अ कलर्स में, मुझे इंडिकेटर में दिखा देता है कि आपके ग्रीक्स का जो बैलेंस जो होने चाहिए वो बैलेंस भी स्कूड अप है, आप उस स्टेट से बाहर निकलो या तो एडजस्टमेंट कर डालो। सो दोस काइंड ऑफ कस्टमाइज्ड काइंड ऑफ टूल आई हैव क्रिएटेड। इनफैक्ट मेरे पास मल्टीपल टूल्स है जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, बट खुद के लिए मैं काफी यूज करता हूँ। तो वो कंटिन्यूसली दोस काइंड ऑफ लाइक ऑप्शन चेन को एनालिसिस कंटिन्यूसली करना है, उसको मुझे अलर्ट्स को थ्रो करना है, या एडजस्टमेंट करते समय क्या एक्चुअली रियल एडजस्टमेंट होने चाहिए, तो वो सारा मुझे उस जमाने में 2015 से वी स्टार्टेड डूइंग दैट। तो उसमें काफी आई टू डू अ डीप रिसर्च कि हमारे आरएस से कैसे कैलकुलेट होता है मैन्युअली, क्योंकि वी हैव टू राइट दोस कोड, ऑल्दो दोस कोड्स वर अवेलेबल फॉर मी ब्रोकर के लिए, बट यू शुड डू ऑल दोस कोडिंग इन शी शॉप में करता। तो वहाँ पे शी शॉप में ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज बहुत ही कम होते थे, सो आई हैव टू रीड ऑल व्हाइट पेपर्स ब्लैक शोल्स के क्रिक्स के, एंड देन आई हैव टू डू ऑल दोस काइंड ऑफ कोडिंग्स इंक्लूडिंग द इंडिकेटर्स की कोडिंग भी करते थे। सो वहाँ पे थोड़ी सी और प्रोग्रामिंग का चस्का लगा कि नहीं अभी प्रोग्रामिंग में जाएंगे। सो अमित बिकॉज द फर्स्ट बेबी स्टेप देन मूव टू द शी शॉप में, एंड देन फाइनली 2019 में we have done like algo ki training humne start kar dete. In fact, there is one broker based out of Mumbai, so unka jo sabse pehla order gaya tha algo se jo public matlab actual production environment, that was my first order, mera first order hai. In fact, unhone mujhe mail pe bhi bheja tha ki jo pehla public order gaya hua hai hamare platform se wo aapka order hai. So lagbhag 2019 mein we were full fledged into the algo training mein aage the. Okay. इनफैक्ट वहाँ पे अगर आप जानते हो कि जैसे ट्रेडर्स कार्निवल कुछ इवेंट्स होता था, मुझे याद है कि एक इवेंट्स में जाके मैंने लाइव वहाँ पे अल्गो उस जमाने में किया था, लोग तो अभी आ चुके हैं अल्गो की दुनिया में, वहाँ पे वी डिड पब्लिकली कि देखो हमारा हम नहीं करेंगे ट्रेड, हमारा मशीन ट्रेड करेगा बिल्कुल सामने सामने आपके। सो तो ऑर्डर्स वो अभी थ्रोन फ्रॉम अल्गो सिस्टम। फिर थोड़े दिनों के बाद फिर 2021 में जब हमारा अरिहंत का शुरुआत हुआ, तो इन बिटवीन आई मीन अरिहंत के शुरुआत में वी स्टार्टेड अ फ्लेवर ऑफ कॉर्न्स में, क्योंकि हम जमाने से थोड़ा सा आगे रहने की कोशिश करते हैं। तो फिर वहां पे कॉर्न्स की दुनिया में आ गए, तो हमने थोड़ा सा देखा कि मैथमेटिकल कॉर्न्स अच्छे मॉडल थे जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जस्ट प्राइस बेस या वॉल्यूम बेस सिंपल सा, लेट्स फाइंड आउट अ फ्लेवर ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो आप डाल के कोशिश कर सकते। तो वी हैव स्टार्टेड वर्किंग टूवर्ड्स द कॉन्स। अब 2023 से थोड़ा सा मशीन लर्निंग्स के भी जितने भी डिजिटल क्लासिफाइड डिसीजन ट्री में मॉडल्स, वो सारे मॉडल्स की थोड़ा सा कोशिश करें, और तो अभी तक उसमें कुछ इतनी अच्छी सफलता नहीं मिली, क्योंकि क्या हुआ कुछ मिस्टेक्स हम कर रहे हैं जो मुझे अभी एनालाइज हुआ है कि हम डेटा काफी लंबा एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन जो मशीन लर्निंग्स है वो जब जितना ज्यादा लंबा डेटा होगा सैम्पलिंग उतनी सैम्पलिंग बढ़ जाएगी, उतना ही वो वियर सा रिजल्ट दे देता हर एक रन पे। So now we are trying कि थोड़ा सा सैम्पल को छोटा कर दिया जाए ताकि we can get some concrete kind of full results. So उस पर भी काम स्टार्ट हुआ है मशीन लर्निंग पे। So hopefully in futures आप देखो कि Sony Galfa along with the quants is going towards the world of machine learning maybe. Okay. ये छोटी सी जर्नी है। Yes sir. तो आगे चले? Yeah. Please. Okay. सो इनफैक्ट एक चीज ये है कि जैसे टाइटल पर है अडॉप्ट द चेंजेस, तो मेरा एम है कि मतलब मैंने लाइफ में खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस किया कि आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को शुरू में गुरु बना लो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो मेरा पर्सनल करियर भी है, क्योंकि लगभग से फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटिंग की दुनिया में मैं काफी पहले आ गया था। इनफैक्ट व्हेन आई वाज 10th स्टैंडर्ड वे बैक 1991 की बात कर रहा हूँ, आई यूज्ड टू डू कंप्यूटिंग, मतलब हमारे स्कूल में कंप्यूटर्स होता था, उस जमाने में लोग कंप्यूटर सुनते भी नहीं थे, तो आई यूज्ड टू डू दैट वे। सो मैं टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा आगे रहने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर लगभग आप देखिए कि 1998 में जब यूनिक्स या लिनक्स के सिस्टम चालू हुए थे आने, उसमें इंडिया में हार्डली कोई यूनिक्स या लिनक्स की बात करता था, लोग सब डॉस की या विंडोज की बात करते थे। वी मूव टूवर्ड्स द वर्ल्ड ऑफ यूनिक्स में 2001-2 की बात है कि वहां पे मैं थोड़ा दोनों के लिए टेलीकॉम में
चला जा चुका हुआ था ठीक है, तो मेरा ऐसा कोई कभी फिक्स रहा नहीं कि मुझे आप कहाँ पे जाओ, जो नए नए टेक्नोलॉजीज आते गए आई जस्ट ट्राई टू अडॉप्ट दैट। सेम वे लाइक 2009-10 में डेरिवेटिव की दुनिया में आ चुके हुए थे, 2000 में एमी ब्रोकर में आ गए, तो जनता जानती नहीं थी एमी ब्रोकर क्या होता था उस समय ठीक है। 2015 में हमारा जो ऑप्शन होगा था इकलौता टूल था मार्केट में जो ऑप्शन का आपको डेस्कटॉप बेस्ड में जो भी है ग्रीक्स विक्स दिखाता था, उसके बाद जाके सारे बाकी जो भी टूल्स है वेब बेस्ड टूल्स है वो बाद में 2018 के बाद ही वो उनका जन्म हुआ है लेकिन उस जमाने में हम 2015 से ही यूज़ टू डू द कैलकुलेशन कि हमारा ग्रीक्स का कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, हाई लेवल ग्रीक्स का कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, इंडियन मार्केट में कैसे हमारा ऑप्शन चेंज को एनालाइज करने चाहिए कम्पेयर टू द अदर ग्लोबल मार्केट के हिसाब से। वी वर लाइक अहेड ऑफ द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। सेम में लाइक 2019 में हमारा फर्स्ट ऑर्डर जा चुका था, हमने पब्लिकली लोगों को सेश पे दिखा दिया था कि हम लोग उसे ट्रेडिंग कर रहे हैं, जबकि उस समय जस्ट मार्केट में इनिशियल कुछ ही जनता थी जो करती थी ट्रेडिंग, बट मोस्ट ऑफ जनता वर्ल्ड में इतनी थी भी नहीं। जैसे फिकॉन्स की बात है कि फिकॉन्स में हमने भी अहेड ऑफ द टाइम हमने स्टार्ट कर रखा हुआ है एंड अभी मशीन लर्निंग पे हम जम मर रहे हैं, ऑल्दो अभी कितनी सफलता मिलती है, हर चीज चलता नहीं उसमें, कुछ चीज चलेगी इसमें यू कैन गेट अ सक्सेस बट कुछ चीज आपके फेल भी होगी, बट एक साथ में आपको लर्निंग भी दे जाती है कि फेल हुआ है। वैसे अल्गो की बात करते हैं, आज का हमारा टॉपिक है अल्गो। सो रोहित जी मैं आपसे पूछूंगा अल्गो, हम आम जनता से पूछते हैं, आप तो भी अल्गो ट्रेडिंग करते हैं, बट आम जनता से आप पूछते हो कि अल्गो में क्या चाहिए, तो सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट होता है उनका सबसे पहले क्या बोलेंगे क्या चाहिए अल्गो की बात करते हैं तो? आई थिंक हमारे लिए सबसे पहले तो अपना ये पता होना चाहिए कि हमारा उससे एक्सपेक्टेशन क्या है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। उसके लिए फिर जनता कहाँ पे जब कहाँ से शुरुआत करती है, एक्सपेक्टेशन तो होती नहीं बट कहाँ से शुरुआत करती है, कोई स्ट्रेटजी मिल जाए। करेक्ट, या जनता का मोटा मोटा होता है कि मुझे कोई तो चंगा सा बढ़िया सा साड़ी चाहिए जिससे हो जाए, और मुझे बताइए कोई ऐसा दुकान है जहाँ पे एक ही सामान बिकता है और जो चलता है ऐसा कोई दुकान है जहाँ पे केवल एक ही पेंसिल बेच रहा है और पेंसिल ही बेच रहा है, क्या दुकान चल पाएगा लॉन्ग टर्म में? ऐसा करेक्ट, दुकान में मल्टीपल चीज होना चाहिए, तो हमें कोई एक सिंगल स्ट्रेटजी, लोगों का जो भी सोच होता है या जो भी रन करते हैं या बैक टेस्टिंग करते हैं वो सिंगल स्ट्रेटजी पे करते हैं, एक सिंगल साड़ी उठा लिया जाए उसको हम रन कर दिया जाए और देखे कि यार कितना बढ़िया है मस्त है वो है तो वो, बट हम देखते हैं कि रियल लाइफ में कोई भी एक सिंगल दुकान ही जहाँ पे एक ही सामान बिकते हैं, दुकान में मल्टीपल चीज बिकती है, उस पर हो सकता है कुछ चीज चले ज्यादा बिके कुछ चीज शायद न ही बिके ऐसा भी हो सकता है, तो हमें कभी भी एक सिंगल साड़ी पे फोकस नहीं करना, ये सबसे बड़ा मिस्टेक जो जनता करती है कि वो ढूंढने जाती है कि मुझे जादू से सोनी की मुर्गी मिल जाए, एक ही मुर्गी मिल जाए जिससे हमारा सब कुछ चले, तो हमारा जो फ्रेमवर्क हम बोलते नहीं एक सिंगल स्ट्रेटजी में कभी जाना ही नहीं है, यू नीड टू हैव मल्टीपल सेट्स ऑफ द स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने बताया, बोलेंगे यार मल्टीपल स्ट्रेटजी क्या क्या हो सकती है, कुछ स्ट्रेटजी हो सकती है मोमेंटम की मार्केट ऑलरेडी भाग रहे हैं उसी में मुझे जम उसी मोमेंट में मुझे जम मानना है, मुझे उस जम को और आगे ले जाना है, सो दैट काइंड ऑफ मोमेंटम स्ट्रेटजी सबके पास होनी चाहिए। कुछ स्ट्रेटजीज है जैसे हमारे पास है आर एस ए बेस है या जैसे होते हैं बॉलेजी बैंड होता है जो मीन रिविजन पे आती है, तो वी हैव सम स्ट्रेटजीज विच इज बेस्ड ऑन द मीन रिविजन की नहीं पे मार्केट अगर बहुत भागा हो तो वो बीच में एक अपने न्यूट्रलाइज जोन पे आएगा, एक सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन पे एक आएगा, वहीं पे मुझे फेट कर लेनी है, तो दोस वुड बी काइंड ऑफ अ मीन रिविजन स्ट्रेटजीज। कुछ स्ट्रेटजी होती है जो हाई 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 लोज जो बनाती है आपके चार्ट के हिसाब से ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होगी वो उसी स्ट्रेटजी पे वो फॉलो करेगी। कुछ जनता होती है आर्बिट्रेज होती है जो करती है, इनफैक्ट पर्सनली हमारे सिस्टम में जो हमारा अल्गो प्लेटफॉर्म वहाँ पे अभी हमने आर्बिट्रेज का कुछ डाला हुआ नहीं है, बट इन फ्यूचर वी माइट पुट इट दैट वे। सो आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी की दो मार्केट में या निफ्टी में लॉन्ग करना है और मे बी अदर इंडेक्सेस में शॉर्ट करना है, दोस काइंड ऑफ थिंग्स अ लॉट ऑफ गाइस डू दैट। कुछ जनता होती है जो पैसे ट्रेडिंग करती है कि एचडीएफसी में हमने शॉर्ट कर रखा तो ICICI में हम लॉन्ग कर देंगे, कुछ वेस्ट टाइप की स्ट्रेटजीज होती है, इनफैक्ट हमारे पास वो भी नहीं, हम पैर और आर्बिट्रेज आज की दुनिया में नहीं करें, बट बाकी आप बोल रहे तो वो हमारा कॉम्बो में है, लाइक ब्रेकआउट स्ट्रेटजीज काफी बढ़िया होती है काफी चंगा होती है, तो वी डू फॉलो दोस काइंड ऑफ थिंग्स। स्विंग्स हम नहीं करते क्योंकि आज की तारीख में जो सोनी का अल्फा है मोस्टली हम क्या कर रहे हैं कि हम इंटरडे ही कर रहे हैं आज की तारीख में, इनफैक्ट शुरुआत में 2019-20 में वी यूज्ड टू डू इंटरडे प्लस पोजिशनल, बट फिर हमने कुछ पिछले साल जनवरी में हमने रोक दिया था और अभी तो हमने पोजीशन को रुका हुआ, बट आई थिंक अभी कुछ कुछ समय बता रहा है कि वापस पोजीशन में आने का आ गया, तो वी कीप ऑन स्टडिंग द मार्केट की मार्केट की डायनेमिक्स कैसे चेंज हो रही है कि क्या हमें पोजीशन को पॉज करना है या उस ऐड करना है, तो वो मोस्ट लाइकली जहां तक मुझे अभी लग रहा है कि अभी पोजीशन का टाइम आ गया है कि उसे भी थोड़ा सा टाल दिया जाए, सो वी माइट डिक्रीज हमारा जो इंटरडे का जो कम पोजीशन है उसमें से मे बी 20% 30% और मे बी एज गुड एज 50% भी वी कैन मूव टू द
पोजिशन मुझे लग रहा है कि अभी शार्ट डायनेमिक्स काफी चेंज हो गया बेस ऑन की जो पिछले दो हफ्ते में हुआ जिस से निफ्टी क्रैश हुआ है निफ्टी के प्राइसेस इस ढंग से स्विंग हो गए तो वो कंफर्ट नहीं दे रहा है कि आप इंटरडे को ही पूरा पैसा डाला जाए आपको तो और पैसा डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा सो दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन इट एंड प्लस स्कैल्पिंग भी होते हैं तो ऑल्दो वी आर नॉट अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी स्कैल्पिंग पे हम विश्वास नहीं करते बट मीडियम काइंड ऑफ स्कैल्पिंग पे वी डू दोस काइंड ऑफ स्टडीज सो हमारे पास बट संतोष भाई एक मेरे को बात बताओ इसके अंदर ठीक है जब हम लोग एल्गोरिदम बनाते हैं हम लोग उसके अंदर कुछ तो डाटा बैक टेस्ट करते हैं ठीक है उस डाटा को बैक टेस्ट करने के बेसिस पे हमारी अजम्पशन होती है कि वो डाटा आगे के लिए वर्क करता रहेगा ठीक है नाउ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी आर सेइंग कि नहीं अब ये चेंज हो गया डाटा ठीक है हाउ डू वी डिफाइन सच अ टाइम कि नहीं अब ये चीज चेंज हो गई हुई है अब हमें डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है ठीक है आई मीन एक स्ट्रेटेजी क्रिएट एक स्ट्रेटेजी को जिसको लेट से वी आर नॉट डिस्क्लोजिंग इन द पब्लिक ठीक है वी आर कीपिंग इट अ सीक्रेट ठीक है उसको बैकटेस्ट करने का मतलब ही एक है दैट वी हैव फाउंड एन एज जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं ठीक है एंड द आइडिया इज दैट इट विल कीप वर्किंग इन फ्यूचर ठीक है बट देन आफ्टर सिक्स मंथ्स और सेवन मंथ्स ठीक है जस्ट बिकॉज वी आर गेटिंग फ्यू बम्प्स इन द मार्केट which are supposed to come, ठीक है? Correct, yeah. We are now saying कि नहीं हमें उसको रोक के हमें और जगह पर diversify करना पड़ेगा, ठीक है? Then ultimately the question comes, what kind of algorithms are we running? Correct. तो बस उसमें दो तीन चीज है जो ध्यान रखनी पड़ेगी जैसे हमारा जो कोर स्ट्रेटेजी थी अरिहंत की जब हमने फर्स्ट टाइम चालू कर रखा था तो हमारी जो कोर स्ट्रेटेजी वो वैसे ही रही है इट्स लाइक हमारा जो पिज्जा है वैसे ही रहा है हम क्या ऊपर की टॉपिंग्स को चेंज करते हैं टॉपिंग्स के जो परसेंटेज है ना वो उसको बढ़ाते जा रहे घटाते जा रहे वो तो आपके जो कोर बेसिक प्रिंसिपल्स है वो हमारा ऑलमोस्ट 70% वैसे ही इंटैक्ट है 30% वेरिएशंस यहाँ वहाँ आ सकते हैं फर्स्ट थिंग अभी मैंने बताया कि हमने वी आर थिंकिंग कि हम पोजिशन को ले आए और इंटरडे को थोड़ा सा कम कर दें ये क्यों हुआ क्योंकि जो हमारी जितनी भी हमने बैक टेस्टिंग कर रखी थी जो भी कर रखी थी उसके हिसाब से हमारी स्ट्रेटजी में हमें बताता कि एक सर्टेन लेवल ऑफ ड्रॉडाउन आनी चाहिए उससे ज्यादा नहीं आ सकते ठीक है बस एक ही वही चीज हमें रिस्क का रिवॉर्ड का हमें कोई टेंशन नहीं है लेकिन डॉडन की हमें चिंता है तो डॉडन हमारे जो अरिहंत में था वो था कि आपको 14% से ऊपर नहीं आ सकता है जितनी हमने कर रखी थी हमने जितने भी 5-7-8 साल के हमने जो भी कर रखे थे वो डेटा ने बता रखा था कि बाबा आपका चाहे कैसा भी कॉम्बो हो आप 14 के ऊपर बहुत ही मुश्किल है जाना और ये फर्स्ट टाइम हुआ कि हमें इस बार निफ्टी में जो हुआ वो हम फर्स्ट टाइम एवर हम 14 से 17.5 पे आ गए सो दैट वाज अ ट्रिगर्ड पॉइंट आपको देखना है कि आपका कुछ कंपोनेंट जो हिस्टोरिकली था वो टूट गया रिवॉर्ड की तरफ नहीं डिजास्टर की तरफ तो हमारा जो डिजास्टर था तो वो हमें बट माय क्वेश्चन रिमेंस द सेम इजंट दैट कर्व फिटिंग नहीं कर्व फिटिंग करी नहीं रहा तो हम बिल्कुल उस स्ट्रेटजी को नहीं हम उस स्ट्रेटजी में कुछ चेंज कर रहे नहीं हम उसके जगह पे एक अलग से 10% का 20% का लेके आ रहे कंपोनेंट इनफैक्ट हम बिल्कुल भी कर्व फिटिंग में जाते ही नहीं है हम लोग बोलते हैं कि आज 9:21 बहुत ही शुभ मुहूर्त है वहां पर ट्रेड करने चाहिए हम नहीं करते अगर हमें 9:19 आया है तो हम चेक करते हैं कि 15 पे क्या बिहेवियर था 45 पे क्या बिहेवियर था 10 पे भी क्या बिहेवियर था अगर वो तीनों टाइम फ्रेम पे चारों टाइम फ्रेम पे सही चल रहा तो ही हम उसको लेते हैं हम उसको कर्व फिटिंग बिल्कुल नहीं करें इनफैक्ट केवल हम जो हमारा कंपोनेंट 14% से 18% गया मतलब 4% का वेरिएशन ज्यादा आ गया है तो वे सेइंग कि यार इस 4% के वेरिएशन कैसे कम किया जाए तो वो पुरानी जो स्टडी है बिल्कुल इंटैक्ट वैसे ही रहेगी उस 4% जो एक्स्ट्रा आ चुका है उसको मुझे डाइवर्सिफाई करनी है दैट इज व्हाट वी आर डूइंग तो हम अगर कर्व फिटिंग में क्या होता है कि हम पुरानी स्ट्रेटजी में ही जाके हम टाइमिंग चेंज कर रहे हैं हम ग्रीक से पैटर्न चेंज कर रहे हैं हम दूसरे वेरिएबल्स को चेंज कर रहे हैं हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं वी आर एब्सोल्युटली गोइंग विद दैट इनफैक्ट जो नया भी बनने वाला वो अभी मैं बता रहा हूँ कि ये जस्ट थॉट प्रोसेस आया हुआ है इट मे बी अ क्वार्टर ऑफ सो उसके बाद ही हम करेंगे हमें ऐसा नहीं कि हम जस्ट आ गया आज हो गया हमारी स्ट्रेटजी जो भी डेवलपमेंट साइकिल होती है काफी लंबी होती है हमारे 3-3-6-6 महीने चले जाते हैं उसमें से भी बिलीव में हम हमारे पास 90% ऑफ स्ट्रेटजी जो बनती है वो रिजेक्ट हो जाती है ठीक है मुश्किल से 10% स्ट्रेटजी है जिसको हम अडेप्ट करते हैं फ्यूचर में ले जाते हैं तो 90-95% ऑफ स्ट्रेटजी बिल्कुल सुनने में अच्छी लगती है चंगा है बढ़िया है उससे अच्छा कुछ मिल सकती है और जब हम हो सकती है सिंगल इंडिविजुअली वो स्ट्रेटजी काफी अच्छी हो लेकिन जब हम उसको हमारी फैमिली में ले आते हैं
तो उसका बिहेवियर सही नहीं होता है। तो हमें वो नहीं देखना कि साड़ी बिल्कुल चंगा हो, वो नहीं, वो फैमिली में भी आके उस फैमिली में भी बिल्कुल सही बैठने चाहिए। वो मुझे डॉल ऑन को नहीं बनाना चाहिए, भले रिवॉर्ड बढ़ाया ना बढ़ाया दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट डॉल ऑन को मुझे वो उस डायरेक्शन में ना ले जाना चाहिए। तो वी ट्राई टू से डाइवर्सिफाई साड़ी होने, अगर सारी साड़ी मोमेंटम और नई साड़ी मिली जो बहुत ही सुपर मोमेंटम है तो फिर मतलब ही नहीं, ऑडियो का मोमेंटम उसके अंदर आप ए और टॉप ऑफ द मोमेंटम साड़ी को लेके आ रहे हो तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो हम जस्ट कर रहे हैं कि हमें जो 4% का एक्स्ट्रा वेरिएशन जो पहली बार आया हुआ है इस बार 3.5% का टूबी टू, तो उस वेरिएशन को हम बस एक थॉट प्रोसेस आया कि नहीं अभी एक काम करें कि निफ्टी और प्लस निफ्टी में ऐसा कभी आया नहीं कि यार वीक टू वीक जिस दिन से निफ्टी की प्राइस उस दिन ऑप्शन में गिरे थे काफी मार्केट में जनता परेशान थी, तो वी जस्ट स्टार्टेड थिंकिंग ऑन दैट लाइन्स, वी जस्ट स्टार्टेड थिंकिंग। उसमें काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होगा, हो सकता है कि अगले 3 महीने में हम वी गोना मेक सम माइनर चेंजेस, हो सकता है वी वोंट मेक एनी माइनर चेंजेस, इवन दैट इज क्वाइट पॉसिबल। ओके, क्योंकि मुझे इशू है कि 4% ड्रॉ डाउन बढ़ा हुआ है, तो मुझे 4% ड्रॉ डाउन पढ़ने के लिए मेरे पास बहुत सारे सॉल्यूशन, एक है कि हम डाइवर्सिफाई कर दे, दूसरा है कि नहीं कुछ भी डाइवर्सिफाई मत करो, जो आप चला दो वैसे चला दो, बट 100% पर न चला के उसको आप 80% पर चला दो या 70% पर चला दो, दैट इज ऑल्सो क्वाइट वेरी वेरी सिंपल लॉजिकल सॉल्यूशन जो हम यूज करते हैं इमीडिएट फिक्स के लिए। ओके, सो दैट वे वी डू। सो जो आपका सवाल था हम डिसरिगार्ड बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि जो आप साड़ी आप बनाते हो इनफैक्ट आपने भी काफी साड़ी बनाई हुई है, वो साड़ी को हमने बहुत मेहनत करके बनाई हुई है, तो हम ऐसे कि एक छोटा सा शो ब्रेक शॉप आ जाए धक्का लग जाए तो हम चेंज नहीं करें। इनफैक्ट आपने देखा रहता मैं सोशल मीडिया पर डालता रहता हूँ, वी हैड अ वेरी बिग हिट फर्स्ट टाइम इन फरवरी 26, वन ऑफ द हाइएस्ट ड्रॉडाउन इन अ सिंगल डे हमें फरवरी 26 पे आया था। क्या हमने साड़ी को चेंज किया? नहीं, हम फरवरी 27 को वी वेंट बिल्कुल वैसे के वैसा, जहाँ जब तब मुझे पता कि 91 जनता होती है वो साड़ी उसी दिन बंद कर देती है, ठीक है। We went ahead, क्योंकि वो मिड कैप का था, February 26 काफी अच्छा हमें चोट पहुंची थी, बट we went ahead, हमने जो स्ट्रैटेजी चल रहा था हमने वैसे चलाया, क्योंकि वो हमारे 14% डॉलर को ऊपर नहीं आया था जो बैक टेस्ट में दिखा हुआ था, तो हमने बोला बेटे अब चलाओ कोई मतलब नहीं, बैक टेस्ट में भी इतना डॉलर था उसके करीब में आया तो काहे डरना। उसके बाद फिर हम 2 हफ्ते में जाके इनफैक्ट वी रिकवर दैट, फिर वापस हमें एक बैंक निफ्टी का ट्रेड आया जिसमें लगभग 5% में सिंगल डेट डॉलर होना, हम बोला यार क्या हो गया, ये सेकंड टाइम हो गया जो पिछले 2.5 साल में नहीं हुआ था, ये बैक टू बैक कुछ ही हफ्ते में आ गया। उसके बाद फिर हम शांत बैठे, फिर जाके इस थर्सडे को लास्ट थर्सडे को April 18 को वापस निफ्टी ने काफी एक लंबा चौड़ा चोट दे दिया, मैं बोला ये लंबे लंबे चोट आने डबल डिजिट के बहुत फ्रिक्वेंट हो गए। सो दैट्स अ रीजन, ऐसा नहीं कि हम केवल नॉर्मल एक चोट पे नहीं, ये तीसरा नहीं चौथा, इनफैक्ट निफ्टी का भी पिछले हफ्ते और तो हमारी स्ट्रेटजी में हमें कुछ भी नहीं है, वी वर हार्डली लाइक पॉइंट अंडर 1% लॉस में थे, बट आई नो मेनी पर्सन, काफी लोग ट्रेडिंग कम्युनिटी से बात हुई जिनको काफी पोजिशन हिल चुके हुए थे उस दिन भी, तो मैं बैक टू बैक पिछले 3 महीने में 3 क्रॉस और डॉट ऑन आया अनकम्फर्ट जोन में लेके आए हुए, ऑल दो हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल वैसे के वैसे चल रही, वी हैवंट मेक एनी माइंडर चेंजेस इन टू द स्ट्रेटजी, बट निफ्टी ने जब ये चोट पहुंची तो निफ्टी ने एक्चुअली माइंड सेट रखी, जो पहले चोट पहुंची तो मिड कैप में था, तो मिड कैप आई नो कि छोटा कंपोनेंट है वो इजली स्विंग्स इरेटिक मूवमेंट दे सकता है, बट निफ्टी इतना इरेटिक मूवमेंट नहीं देता है, तो अगर सबसे बड़ा हाथी ही इराटिक मूवमेंट का एक पहला ऐसा फ्लेवर दे दिया तो आपके लिए अलर्ट है कि कुछ तो मार्केट के डायनेमिक्स चेंज हो रही है, सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू इंटरप्रेट के मार्केट के डायनेमिक्स क्या चेंज हो रही है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है कि हमें वापस नेक्स्ट वीक में ही वापस वो डबल डिजिट का वापस जोड़ना पहुंचे, सो वी आर जस्ट वर्किंग ऑन दैट। तो आपको ये चेक करना है कि कोई बड़ा हाथी चेंज तो नहीं किया बिहेवियर, ओके, वो मीट करता तो मैं टेंशन नहीं लेता, इनफैक्ट फिर निफ्टी भी बिहेवियर करता मेरे को भी टेंशन नहीं लेता, लेकिन निफ्टी पे ये किसी ने कभी भी नहीं सोचा था कि निफ्टी की प्राइस जो एक पुट जो उस समय 46 रुपीज की चल रही थी वो पुट 1 मिनट के अंदर एंड फ्यू सेकेंड्स के अंदर 390 रुपये पहुंचा हुआ है, तो वो पुट के दाम जो एट द मनी था लगभग 46 रुपीज 47 रुपीज था, एंड विद इन अंडर 2 मिनट्स के अंदर इट वेंट 390। So itself is a kind of an indicator, जो मुझे indication है कि यार market की कुछ dynamics change हो रही है, आप कोशिश करो समझने की, या अगर नहीं समझ पाओ तो थोड़ा exposure घटा दो कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए just exposure को घटा दो, जब आपको समझ में आएगा तो फिर आप उसके वो fix कर डालो, नहीं समझ में आओ तो exposure घटा के चलाओ, that is the only quick fix, ठीक है। बट स्ट्रेटजी बिल्कुल चेंज नहीं है, कोर स्ट्रेटजी में हमने कोई चेंज नहीं किया हुआ है, अभी भी बता रहा हूँ, हमने केवल एक्सपोजर को घटा रखा हुआ है, हम अगर 100 रुपए पर चला दे तो हमने उसको 90 पे चलाओ या 80 पे चलाओ या 70 पे चलाओ, बट स्ट्रेटजी बिल्कुल वही है, स्ट्रेटजी में कोई भी चेंजेस नहीं, माइनर सा भी चेंजेस नहीं है। ओके, आगे चलें। या
तो अभी ये चेंजेस हम क्यों नहीं करें, क्योंकि हमारे पास फ्लेवर्स ऑफ साड़ी है, हम क्या करते हैं एक सिंगल साड़ी पे नहीं चला रहे, हम क्या चला रहे हैं मल्टीपल सेट ऑफ स्ट्रेटजीज है। तो आपको कभी वेजिटेरियन डिश मिल जाता है, कभी नॉन वेजिटेरियन डिश मिल जाता है, या कभी इटालियन मिल जाता है, कभी आपको मेक्सिकन फिश मिल जाता है, कभी चाइनीज मिल जाता है, कभी नॉर्थ इंडियन मिल जाता है, कभी साउथ इंडियन मिल जाता है। तो उस दिन क्या चले मुझे भरोसा नहीं, सो वी डू एड मल्टीपल थिंग, हो सकता है कि आज के दिन मोमेंटम अच्छे चले, कल ट्रेंडिंग वाला अच्छा चले, सो दैट वे वी डू। और सवाल है कि लोग जो लोगों की कहानी होती है या जितने भी जनता मुझसे पूछती है संतोष अल्गो चला दो, उनका फोकस क्यों स्ट्रेटजीज पे होता है, बाकी कोई भी चीज पे नहीं होता। बट मैं बताऊँ स्ट्रेटजी एक बहुत ही छोटा सा कंपोनेंट आपके अल्गो के सेटअप के लिए, ठीक है। जो अगर मुझसे पूछा कि आपको अल्गो दिन में आना है तो आपको क्या क्या फोकस करना पड़ा, जो हमारी लर्निंग है पिछले 3-4 साल की, वो लर्निंग बता कि नहीं आपको केवल स्ट्रेटजी पे फोकस नहीं करना, स्ट्रेटजी एक छोटा सा 1/3 कंपोनेंट है आपको, उसके साथ आपका बस एजुकेशन भी बहुत फास्ट होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर भी होने चाहिए, ठीक है। आपके पास अगर दुनिया में आना तो आपके पास अलग कैलकुलेशंस लाइब्रेरी मॉड्यूल्स वो सारा चीज भी चाहिए। अगर वैसे कोई भी जनता पूछे संतोष मुझे एक अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाना है या फ्रेमवर्क बनाना है, सो की कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो मेरे हिसाब से 3 चीजें जिसका हमारा फोकस होता है। एक होता है कि आपका स्ट्रेटजी तो होनी चाहिए, दूसरा आपके पास एक मजबूत सा इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, क्योंकि आपने केवल स्ट्रेटजी बना रखा हुआ है और उसको एक अच्छी सी अपनी स्ट्रेटजी बना रखी है, उसको आप बिल्कुल देहात में चला रहे हो, अच्छा था अपने सेटअप बना रखा है, मोबाइल या न्यू टेक्नोलॉजी बना रखा है, लेकिन आप उस दुनिया में चला रहे हो जहाँ पे लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो आपको गाड़ी चलेगी नहीं, ठीक है, या उसके भी हमें लाइब्रेरी मिल रही है। ये 3 कंपोनेंट्स है जो मैं फोकस करता हूँ, एक तो स्ट्रेटजी, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरा है आपका लाइब्रेरीज। स्ट्रेटजी में बेसिकली कैसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो लोग कोई भी स्ट्रेटजी चल सकती है, कोई भी जितना सिंपल स्ट्रेटजी उतना बेटर होता है, लोग ढूंढते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी, बट मेरा एम होता है बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो जितना सिंपल स्ट्रेटजी होता है उतना आप इजी से समझा सकते हो, उतना आप इजी से चला सकते हो, लेकिन उसमें कोई पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी होनी चाहिए। तो आप स्ट्रेटजी को रन करो, हो सकता है कि 6 महीने या 3 महीने उसमें पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी ना हो, बट आपको उसको प्रैक्टिसिंग करने की, पिछले 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में, 10 साल में क्या ईयर बाय ईयर वो ग्रीन मैंड हुआ है क्या, ठीक है। हो सकता है कि कुछ मंथ या अभी लास्ट 2 या 3 महीने हो सकते निगेटिव हो, दैट्स ओके, परफेक्टली ओके, बट अगर पिछले 8 साल में वो कंटिन्यूसली हर साल ग्रीन में एंड हुआ है तो उसमें दम है उस स्ट्रेटजी में। सो वी ट्राई टू आइडेंटिफाई दोस काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज जो साल बहुत साल वो ग्रीन में ही एंड हो, क्वार्टर में कुछ एक दो क्वार्टर रेड हो, दैट्स कोई भी बड़ी बात नहीं, दैट्स परफेक्ट बिहेवियर, क्योंकि अगर वो स्ट्रेटजी हर क्वार्टर या हर दिन ग्रीन एंड हो रहा तो फिर आप भगवान बन गए, ठीक है। वैसी स्ट्रेटजी मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए कि जो चले भी, क्योंकि अगर वो हर महीने में ग्रीन हो रहा है या हर दिन ग्रीन हो रहा है तो कुछ तो आपने स्ट्रेटजी में कुछ तो कुछ ही कर रखी हुई, आप बराबर स्ट्रेटजी को चेक नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। स्ट्रेटजी का नॉर्मल बिहेवियर कि वो ग्रीन भी आ गए वो रेड भी आ गए, आपको देखना है कि भाई साल अगर आप पूरा सर्वे कवेशन दो तो ग्रीन होनी चाहिए, तो पॉजिटिव एक्सपेक्टेंस एक एज छोटा सा होनी चाहिए। अब ये सवाल आता है कि एज कैसा होनी चाहिए, तो मैं बोलूँगा एज ऐसा नहीं होता कि जो आउट ऑफ छप्पी से जादू से है, वो आपको जो बेसिक है, फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन की दुनिया में बेसिक है कि आपका वोलेटिलिटी अगर हाई है तो आपको बेचना चाहिए, या क्योंकि वोलेटिलिटी हाई है मतलब प्रीमियम आपका हाई है, तो आपको वहाँ पे क्रेडिट स्ट्रेटजी चलाना चाहिए। अगर आपका प्रीमियम बहुत ही कम है, वोलेटिलिटी बहुत ही कम, तो आपको डेबिट स्ट्रेटजी चलाना चाहिए, तो वो बेसिक्स पे आपको काम करना चाहिए। बस मेरी स्ट्रेटजी चाहिए फाउंडेशन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो बेसिक्स के फाउंडेशन होते हैं, जैसे इंडिया में हमें लेफ्ट साइड में ही चलना चाहिए, राइट साइड में नहीं चलना चाहिए। सेम में थीटा का मुझे पता है कि एक्सपायरी डे पे थीटा ही बढ़ता है और टाइम वैल्यू जाकर शून्य हो जाएगी, तो दो साथ बिहेवियर। अगर मुझे बेचने वाली स्ट्रेटजी चाहिए तो कोई करीब वाली जिसकी एक्सपायरी है वहां पे ही मुझे यूज करनी चाहिए, खरीदने वाली स्ट्रेटजी चाहिए तो मुझे दूर वाली स्ट्रेटजी चाहिए। तो वी वर्क मोस्टली कि हम फंडामेंटल बेसिक से डाइवर्ट नहीं होते, हम वो जादू की झप्पी पे नहीं जाते, वो जादू की झप्पी होगी एक्सेप्शन होगी, वो कुछ महीने चल सकती है लेकिन पूरे सालों भर नहीं चल सकती है। तो अगर लंबा आपको चलाना है तो आपकी जो स्ट्रेटजीज के जो बेसिक्स है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ग्रीक्स के बिहेवियर पे, आपके वोलेटिलिटी के बिहेवियर पे, आपके ट्रेड एक्शन के बिहेवियर पे ग्रीन होना चाहिए। देन हम स्ट्रेटजी को वैसे ही स्ट्रेटजी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो प्रोसेस से हमें रिटर्न आया हुआ है, प्रोसेस मतलब कि हमने केवल स्ट्रेटजी को फॉलो किया हुआ रिटर्न आया, रहा देन की स्ट्रेटजी में कुछ जादू से रिटर्न आया। लेट मी शो यू वन, मे बी एक एग्जांपल दिखा देता हूं, लेट मी सी कैन आई मेक सम शॉट, या लेट मी मेक अ लवली, कि मैंने एक स्ट्रेटजी तो हमारा ऑन दिस सेम स्क्रीन आई गोना जस्ट राइट मैं लिख देता हूं कि एक स्ट्रेटजी के इक्विटी कवर कैसे आ रहा है, इक्विटी ऊपर गया कुछ 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 हुआ है, ठीक है। अगर ये स्ट्रेटजी में देखा जाता है एक ही दिन में या 2 दिन में वो बहुत लंबा गया हुआ, तो मुझे ढूंढना है कि जो लंबा गया हुआ है इस एरिया में ये लंबा किस लिए गया, क्योंकि आपका लग तो उसी साथ में रहा, इसके लिए ऊपर गया है या आपका प्रोसेस गया हुआ है, ठीक है, आपको चेक करना है। अगर आपका आंसर आ रहा है कि नहीं उस दिन जस्ट लग से एक दिन में रिवॉर्ड आया हुआ है,
तो ये साड़ी को मैं डिसरिगार्ड करता हूँ, मुझे ये साड़ी नहीं चाहिए, मुझे लुक से पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसा कहाँ से चाहिए, प्रोसेस से चाहिए। तो हम जब भी स्ट्रेटजी का इक्विटी कर्व बनाते हैं, वी चेक कि कहाँ का ये बड़े बड़े रिवॉर्ड्स आए हुए हैं, और जो बड़े बड़े रिवॉर्ड्स आए हैं ये बिकॉज ऑफ द प्रोसेस आए हैं, बिकॉज ऑफ द लक आए। अगर बिकॉज ऑफ द लक आया तो हम निकाल दो साड़ी, क्योंकि ये रिवॉर्ड में ये गिनना ही नहीं मुझे, इस पूरे लाइन को उठा के मैं नीचे ला के जोड़ दूंगा, उसके हिसाब से मैं चेक करूंगा। तो आपको अलबुक की दुनिया में आते हो, मेक श्योर कि यार उससे से पैसा आ गया ना देन, और लग से पैसा आए, तो दैट इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल, जो शायद आम जनता को समझ में नहीं आएगी संतोष बोल रहे हैं, बट हमारे केस में अगर हमें लग से आ रहा है पैसा तो हम बोलते हैं उसको निकाल दो, हमें नहीं चाहिए पैसा, हमें पैसा कहाँ से चाहिए, हमें पैसा प्रोसेस से ही चाहिए, क्योंकि आई एम जस्ट गोना फॉलो द प्रोसेस, भले ही आज लॉस हो बट मैं उस प्रोसेस को फॉलो करूंगा, भले ही कम प्रॉफिट आ रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, मुझे मेरा स्ट्रेटजी बोल रहा है कि काटना नहीं है, होल्ड पे रखना है, तो हम होल्ड पे रखते हैं, हम कभी भी नहीं काटते हैं। मुझे लॉस आ रहा है, मुझे दिख रहा है कि हम लॉस आ रहा है, लेकिन सिस्टम में था लॉस 3% का और अभी 2.5% का आ गया, पैनिक में जाकर हम उसको नहीं काटेंगे, जब तक कि मेरे सिस्टम के हिसाब से 3% का लॉस नहीं है तो तब तक हम उसको होल्ड पे रखेंगे। सो वी जस्ट फॉलो, हम कभी छिड़खानी बिल्कुल नहीं करते साड़ी के साथ, मस्ती में कभी कभी हम बोलते हैं कि बाबा जैसे मेरे पार्टनर के साथ बात करते रहते हैं, कभी कभी 1:30 बात करते हैं आज कितना रिटर्न आ रहा है, तो इनफैक्ट शुरू में हम तो ऐसे बोलते हैं 2 BHK बन रहा है, 1 BHK बन रहा है, फोन पे ऐसे आज 1 BHK बन रहा है, अरे यार अभी 2 BHK हो गया, अरे अभी 1 BHK लॉस हो गया, तो वी डोंट गेट पैनिक, वी नॉर्मली टॉक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में, ऐसा कुछ मस्ती में बात करते ताकि हमें वो डॉलर वैल्यू का ना दिमाग में आवे, और उसके हिसाब से जो भी प्रोसेस है उसको प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं, हम कभी भी अर्ली नहीं काटते या लेट नहीं काटते, अगर प्रोसेस ने बताया कि कटना तो काट दो, और सिस्टम ने बताया कि होल्ड पे रखो तो होल्ड पे रखो, सिस्टम बोला नहीं अभी निकल जाओ निकल जाओ, दैट इज वन। सेकंड मनी मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है कि जनता एक सिंगल साड़ी बनाती है उसमें पूरी की पूरी पैसा डाल देती है, तो वो गड़बड़ हो जाता है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि नहीं आपको कितना एक्सपीरियंस टेबल पर ले जाना है। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ जनता है जो ओवर लेवरेज का डालती है, वो कुछ मल्टीपल्स में या जानबूझ के इंश्योरेंस को डालती है ताकि और ज्यादा क्वांटिटी में ले जाए स्ट्रेटजी में, तो वो सारा चीज ध्यान रखना है कि आप कितना दिन में कितना होने को तैयार हो उसके हिसाब से लेवरेज लो, क्योंकि आपको यहाँ पे केवल आज के इनफैक्ट जो लर्निंग से भी कुछ रिसेंट लर्निंग से वो बता रही है कि कुछ आप केवल ट्रेड स्ट्रेटजी में मत देखो, वैल्यू ऑफ द रिस्क देखो, आपको ये और देखना है कि आपको कितना क्या करते हैं स्ट्रेटजी में, कितना वर्स्ट केस लॉस होता है वो देखना करते हैं, और आज की तारीख में हमने देखा कि बहुत इतनी मिसप्राइसिंग होती है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बटरफ्लाई या आयरन कोटन बना रखी है, तो हमें सिस्टम बता रहा है कि आपको इससे ज्यादा लॉस हो ही, लेकिन आजकल हमने काफी कुछ समय में भी बिहेवियर देखा है कि मोमेंट ये ग्राफ जो है ना तो ग्राफ नीचे टुडे ग्राफ को चेंज करना, तो आज का जो ग्राफ नीचे वो ग्राफ को चेंज कर थोड़ी वाला ठीक है, क्योंकि इतनी मिस प्राइसिंग हो रही है कि जो शॉर्ट्स की प्राइस वो बढ़ चुकी है, जो लॉन्ग जिस हिसाब से बढ़ने जो बढ़ी नहीं रही है, तो काफी मिस प्राइसिंग हो रही है, तो आपको आज की तारीख में कैलकुलेट करना है, हम लोगों ने वो कैलकुलेशन शुरू करा था कि हम केवल हमें हमने कुछ कुछ एक्सपोजर बंद कर रखा, क्योंकि मुझे पता है हमारी जो लेकिन हमने क्या कर रहे हमने अभी एक्सपोजर पूरा कम कर रखा ताकि आइडियल्स का ना हो जाए, 100% आ जाए हो जाए उतना हम देखते हैं, आइडियल सुनाओ तो कम ही होगा क्योंकि हमें इनफ अपॉर्चुनिटी निकलने की, बट फिर भी हमने इसका एक्सपोजर ओवरऑल रिसेंट लर्निंग से हमने कम कर रखा था, आपको वैल्यू ऑफ द रिस्क सोचनी है और उसके हिसाब से आपको मनी मैनेजमेंट करनी है, दिस इज जस्ट हमारी लर्निंग से जो मैं ठीक है। एंड देन जब भी आप चीज बना रहे हो ऑलवेज इनफैक्ट ये सारे जगह पे आता है, केवल आपको मनी स्ट्रेटजी में नहीं आता, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी आ जाता और ओवरऑल प्लेटफॉर्म सोल्यूशन है वहाँ पे भी आपको आ जाता है ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी के लिए सिंपल है कि आपकी स्ट्रेटजी में कुछ तो पॉजिटिव एक्सपीरियंस होने चाहिए, आपके पास बेसिक के हिसाब से होने चाहिए, जादू में झप्पी वाली कुछ नहीं होनी चाहिए कि हमने ऐसा बोला नहीं, आपको बेसिक
चलाना है, सालों साल चलाना है, बैकटेस्टिंग करनी है। अगर ईयर बाय ईयर ग्रीन आ रही है तो वो स्टडी बहुत चंगा है, और ईयर बाय ईयर ग्रीन नहीं आ रही तो स्टडी, इनफैक्ट एक ईयर बाय ईयर की एक वो भी तरीका बता दें, समझो कि फर्स्ट ईयर मेरा इतना पॉजिटिव आया था, सेकंड ईयर और लेस हो गया, थर्ड ईयर लेस हो गया, फोर्थ ईयर लेस हो गया, अब ये भी ट्रेंड में है सर बता। अगर ट्रेंड वाइज भी वो स्टडी का रिटर्न डिमिनिश हो रहा है तो आप उनको फिर इग्नोर कर लो, ये अच्छी स्टडी नहीं है, ठीक है, स्टडी बढ़ रही है फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, रिटर्न क्यों बढ़ रही है, फिर घट रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो वो स्टडी को मैं जाने को खुश हूँ, मुझे कोई डर नहीं है स्टडी में, बट हाँ कोई स्टडी जिसकी ईयर बाई ईयर रिटर्न घट रहा है वो एनालाइज करता है, तो वो स्टडी को फिर हम डिसरिगार्ड करते हैं, दैट्स नॉट अ गुड स्टडी, जो भी इन आर बकेट में हमें करना नहीं है स्टडी को। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस पे लोग बात ही नहीं करते, ठीक है, जब हम चलाने लगे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने इस पे फोकस कर रखा था, हम डे वन से हमने बोला हमें घर में सर्वर नहीं रखना है, घर में लाइट जा सकती है, घर में इंटरनेट जा सकता है, घर में उस सर्वर पे लोग गेम करना चालू कर सकते हैं, उस सर्वर पे ईमेल लिखना चालू कर सकते हैं, कुछ भी हो जाता है, ठीक है, तो हमने शुरू में बोला था नहीं, हमें सिस्टम ऐसा रखना है जो प्रॉपर सर्वर एक्ट पे हो और प्रॉपरली चले, ठीक है, तो क्लाउड में हो, यहाँ पे इनफैक्ट डे वन से हम क्लाउड में हमने रखा हुआ है ताकि हमारी प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, बहुत सारा चीज हो, तो दैट वे इट वी स्टार्टेड, जैसे आप स्टार्ट करो शुरू एक ही सवाल पर उठाओगे आप काम करना चालू करेंगे, बट एज यू ग्रो फर्दर यू माइट एक्सपीरियंस, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान रखना है कि कौन सा सवाल से, इनफैक्ट यहाँ पे दो प्रकार के सवाल होते हैं, एक है कि आपका ऑन क्लाउड हो, ठीक है, आपको ऑन क्लाउड है, और दूसरा होता है ऑन प्रीमाइस, आपका कौन सा है? मेरा वाला तो सारा क्लाउड बेस्ड है ना, क्लाउड बेस्ड है, ऑसम, ठीक है, इसमें दोनों में पॉजिटिव चीज दोनों में नेगेटिव चीज, क्योंकि जो क्लाउड बेस्ड होता है वहां पे आपका काफी फास्ट चल सकता है, आपका वहां पे इंटरनेट का बैकअप होता है, डेटा का बैकअप होता है, सारा कुछ होता है, प्लस आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कहीं भी चला सकते हो, वैसे जो क्लाउड ऑन प्रीमाइस होता है उसकी भी अपनी कुछ खास बात होती है, क्योंकि इसमें आप कभी भी सर्वर को अपग्रेड कर सकते हो, इनफैक्ट काफी सस्ता पड़ जाता है सर्वर अपग्रेड, इफ यू कंपेयर द कॉस्ट वाइज दिस वुड बिकम एक्चुअली एक्सपेंसिव व्हेन कंपेयर्ड टू दिस, वो हमने दोनों एनालाइज किया हुआ है, पर यहाँ पे हमें एक चीज हमें मालूम पड़ेगा, हमें फ्लेक्सिबिलिटी ही है, क्योंकि अब मुझे ऑफिस में ही रहना पड़ेगा, घर पे रहना, जहाँ पे भी मेरा सर्वर है वहीं पे मुझे रहना पड़ेगा चालू करने के लिए, दैट बिकम्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, बिकॉज आई कीप ऑन ट्रैवलिंग यहाँ वहाँ, कभी मैं यहाँ रहता हूँ, कभी दिल्ली रहता हूँ, कभी बैंगलोर रहता हूँ, कभी गाँव में रहता हूँ, तो वो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी गायब हो जाती है, तो हमने काफी सोच समझ के हमने बोला क्लाउड पे डालेंगे, लेकिन यहाँ पे भी एक फायदा होता है कि यहाँ पे आप काफी गेमिंग काइंड ऑफ सर्वर्स को भी आप डाल सकते हो, जिस पर आप बहुत फास्ट कंप्यूटिंग कर सकते हो, स्पेशली अगर आपको बैक टेस्टिंग करनी है तो क्लाउड मे नॉट बी हेल्पफुल, आपको ऐसे सर्वर्स भी होने चाहिए करके जहाँ पर बैक टेस्टिंग करते हो, बैक टेस्टिंग के लिए हमारे पास ये सोल्यूशन है, बैक टेस्टिंग के लिए हमारे पास कुछ सर्वर है, लेकिन जो हमारा एक्चुअली एल्गोरिथम चलती है वो क्लाउड पे चलती है, तो आपको दोनों में प्लस एंड माइनस है, यू हैव टू थिंक कि अप में क्या सूट करता है एंड दैट कुड बी योर सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे डेटा भी आपके पास होना चाहिए, इनफैक्ट वी डू बाय डेटा फ्रॉम द ऑथराइज्ड डेटा वेंडर, तो क्योंकि हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बैक टेस्टिंग का वो डेटा, डेटा कितना रिलायबल है, इनफैक्ट डेटा कोई भी थर्ड पार्टी का वी डोंट इवन ट्रस्ट, इनफैक्ट डेटा विंडर्स के भी डेटा को हम देते तो हम ट्रस्ट नहीं करते हैं, हम चाहे उसको दो चार जगह से क्रॉस वेरीफाई कराते हैं कि यार इसका वो भी बाकी वाले वो से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, या इन्हीं से कि वो डे के एंड से वो से मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वी डू लॉट ऑफ क्रॉस चेकिंग, हम किसी पे विश्वास नहीं करते, इंक्लूडिंग जो ऑथराइज डेटा विंडोज का भी विश्वास नहीं करते, वी डू अवर ओन होमवर्क एंड देन रियल टाइम डेटा काफी जनता है कि जो ब्रोकर का डेटा यूज कर जाती है, ठीक है, तो बट हम ब्रोकर्स का डेटा को भी अवॉइड करेंगे, क्योंकि उनका ब्रोकर्स का जो एम होता है वो ब्रोकिंग से होता रहा था ना, और डेटा प्रोवाइडर को उनकी कोर बिजनेस नहीं, तो वी एक्चुअली गेट द डेटा फ्रॉम डेटा विंडोज, डेटा विंडोज क्योंकि हमारे पास एक भी डेटा रुक गया तो हमारा पूरा मास्टर में चेंज हो जाता है, तो अगर हमें 5 मिनट का डिले हो जाएगा, 5 मिनट डिले पूरे साल का रिटर्न पर बड़ा सा इम्पैक्ट आ जाता है, तो हम बोलते हैं नहीं थोड़ा सा पैसा खत्म डालो, टेक अ प्रॉपर डेटा एंड फास्ट इफिशियंट डेटा हो जहाँ पे करेगा, ठीक है। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारे रिस्पॉन्स मैंने किया, ये सर्वर बैठ गया तो क्या हम रात सर्वर को चेंज कर सकते हैं, इनफैक्ट हमारे साथ ऐसा हुआ था कि एक बार हम हमारे कंप्यूटिंग सर्वर पर कुछ इशू आ गया था, या वेनेसडे के दिन हुआ था और थर्सडे हमें ट्रेडिंग करना था, तो हमने रातों रात पूरा का पूरा सर्वर को डिसरिगार्ड किया, हमारे पास बैकअप था एंड विद इन 6 आवर्स में हमें पूरे के पूरे सर्वर को रीबूट किया, नेक्स्ट डे वी डिड ट्रेडिंग, ऐसा से कुछ आ गया था हमने कल सर्वर को रिबिल्ड नहीं किया, हमने पूरा जियो भी चेंज करा था, तो सर्वर अगर शुरू में दिल्ली में था तो हमने दिल्ली से बोला कि नहीं हमें शिफ्ट करना मुंबई में, तो मुंबई वाला ही डेटा सेंटर पर चला, क्योंकि दिल्ली का जो डेटा सेंटर है वो काफी स्लोनेस था दे रहा था, पूरा दिन हम परेशान हो गए थे, हमने मतलब
और जैसे ही मार्केट बंद हुआ जस्ट मूव दैट टू द डिफरेंट डेटा सेंटर ऑल टुगेदर टेक द बैकअप फ्रॉम देयर रीबिल्ड एवरीथिंग ये तो आपके पास इतना बैकअप ऐसा फैसिलिटी होनी चाहिए अगले 5-6 घंटे में भी उसको रीबिल्ड कर सकते हो बिल्कुल उसी स्टेज पे लाकर हो सकते हो ओके देन अगर आपको कोडिंग वोडिंग करनी है ट्रेडिंग खुद का लिखना है तो यहाँ पे दो सोल्यूशन हो सकते हैं कि आप किसी को आउटसोर्स करके कोड कर डालो या कुछ तो हमारे केस में हम खुद ही सारा कुछ करते हैं तो इसमें हमारे पास कुछ डेटा प्रोसेसिंग के लिए आपको होनी चाहिए इसमें इफेक्ट दो चार चीज होते हैं एक तो आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी जहाँ मुझे पता आप शायद जावास्क्रिप्ट पे काम करते हो ना जेएस रोहित पाइथन के ऊपर हमारी बैक टेस्टिंग होती है जावा के ऊपर हमारा क्या कहते हैं रन करते हैं सारा का सारा तो जैसे हमारे केस में वैसे फिर मैं हमारे केस की बात करवा देता हूँ तो हमारे केस में क्या है कि हम भी दो लैंग्वेज में काम करते हैं एक तो पाइथन पे है जो मोटा मोटा हमारा जो काम होता है पाइथन पे होता है बट जो एक्चुअली एग्जीक्यूशन इंजन है जो ऑर्डर फ्लो है वो हमारा और सी प्लस पे चलता है क्योंकि सी काफी फास्ट लैंग्वेज है ठीक है और सी मेरा फेवरेट लैंग्वेज भी है तो हम लोग क्या करते हैं कि सिग्नल जनरेशन सारा हम यहाँ पे कर लेते हैं बट जब भी हमारा ऑर्डर फ्लो होता है ऑर्डर फ्लो के लिए प्रेफर किया होगा हम शॉप को भी बीच में ला दे ताकि जहाँ पे बैक टेस्ट की बात आती है ना वहाँ पे आई यूज मल्टीपल सोर्सेज ठीक है ना उसके अंदर बस मुझे ये पता होना चाहिए कि जिस जगह पे मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ वो एग्जैक्टली किस तरीके का लॉजिक यूज कर रहा है वो मुझे क्लियर होना चाहिए ठीक है सो लेट से अगर मुझे बैक टेस्ट करने के लिए किसी थर्ड पार्टी सर्विस का भी वर्क यूज करना पड़ जाए तो मैं कर लेता होता हूँ ठीक है अब मान लो उसने अब जो थर्ड पार्टी सर्विस है उसने मॉड्यूल्स इस तरीके के बनाए हुए हैं कि मुझे पता है कि इंटरनल मैकेनिक्स जो है वो डिफरेंट होंगे हमें लॉजिक पता है ना फॉर एग्जांपल अब कई जगह आपने देखा होगा कि लेग री एग्जीक्यूशन होती है ठीक है कई लोग क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस के वापस उसी पॉइंट पे पहुंचने के बाद री एग्जीक्यूट करते हैं ठीक है कई लोग क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस हिट होने के 5 मिनट के बाद उसको री एग्जीक्यूट कर देते हैं अब जहां पे वो इंटरनल मैकेनिज्म हमको नहीं पता वहां पे वी डोंट गो फॉर देयर बैक टेस्ट वी बैक टेस्ट अवर ओन मैकेनिज्म ठीक है पर जहां पे मुझे पता है कि जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ वही चीज एग्जीक्यूट हुई है देन वी रिलाय ऑन दैट बैक बिकॉज एक बैक टेस्ट के अंदर भी फिर हमारा टाइम बचता है उसके अंदर ठीक है अदरवाइज वो भी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है ना अदरवाइज करेक्ट है तो इसपे हमारा व्यू है कि अगर आप थर्ड पार्टी से बैक टेस्ट कर रहे हो तो जस्ट सी कि आप कंफर्ट जोन में आ रहे हो नहीं यार बस उसका रिलाई नहीं करना है बिल्कुल भी बैक टेस्ट पे जस्ट कि ईयर बाय ईयर लॉन्ग बाय लॉन्ग वो एक ग्रीन दिखा रहा है रेड बार उसने देखो कि प्रॉफिटेबल दिखा रहा है लॉस दिखा रहा है कितनी प्रॉफिट दिखा रहा है उस पर विश्वास नहीं करना है बिल्कुल भी ठीक है क्योंकि बैक टेस्टिंग में ऐसा होता है कि कोई कैंडल बना हुआ लेट मी टेक द एग्जांपल कि कुछ स्ट्रेटजी ऐसी हो सकती है कि जहां पे हमारा ओएचएलसी बना सो लेट्स से ओएचएलसी का कैंडल बना हुआ है ठीक है अब ये डेटा और एक डेटा मिसिंग है और फिर नेक्स्ट डेटा आ गया ठीक है एक डेटा हमारा बिल्कुल यहाँ पे मिसिंग है और यहीं पे हमारा ट्रेड होने चाहिए था हमारा ट्रेड का इंटीग्रेशन क्योंकि यहाँ पे स्टॉप हुआ तो मैं ट्रेड क्या इस ओपनिंग प्राइस पे लो ये ओपनिंग प्राइस पे लो या ये क्लोजिंग पे लो या नेक्स्ट वाले ट्रेड की ओपनिंग प्राइस लो तो ये क्वेश्चन मार्क होता है तो बेस्ड ऑन की आपकी स्ट्रेटजी क्या है स्ट्रेटजी के लिए लास्ट जो क्लोजिंग प्राइस होगी वो बेटर होगी आप वहीं पे ट्रेड ले लो आपकी एंट्री प्राइस लेकिन कुछ भी स्ट्रेटजी ऐसी कस्टमाइज होगी जिसमें हम बोलेंगे नहीं हमारी ट्रेड तो बाद में जाएगी तो बाद वाली ट्रेड की जो ओपनिंग प्राइस है वो मेरी एंट्री प्राइस होगी तो वो आपको वो कंसिडर करना है तो वो बेस्ड ऑन की इसका कोई वाइट एंड ब्लैक आंसर नहीं है बेस्ड ऑन की आपका स्ट्रेटजी क्या है उसके लिए क्या राइट सोल्यूशन है तो वो आपकी स्ट्रेटजी भी डिफर करता रहा है बट नॉर्मली क्या होता है जितने भी जो थर्ड पार्टी उन्होंने एक ही डाल रखा है कि वो या तो ओपनिंग प्राइस कंसीडर करेंगे या तो क्लोजिंग प्राइस कंसीडर करेंगे या मिड ऑफ बिड एंड आस्क क्लोज करेंगे तो वगैरह वगैरह होता है तो वो हमें उनका इंटरनल नहीं पता है क्या है ठीक है सो वो आपको बिल्कुल एक काइंड ऑफ उस स्ट्रेटजी को उनके टेस्ट रिजल्ट को आप मानो बट डोंट टेक इट की थंब रूल बिल्कुल 100% सही है बोलो कि 60% एक्यूरेसी है बट 40% वहां पे भी गलत जा सकता है इसके अंदर एक चीज और आ जाती है ना इसके अंदर एक चीज और आ जाती है ना एक पैराडॉक्स है ठीक है अगर आप गलत फैक्टर्स के ऊपर गलत डाटा के ऊपर बैठ के कोई चीज स्ट्रेटजी बना रहे हो आपने एक स्ट्रेटजी बनाई जो बेसिकली गलत डाटा के ऊपर गलत एग्जीक्यूशन कर रही है ठीक है और उसके बेसिस पे बैक टेस्ट शो कर रही है आप उस सेम सिस्टम को उसी सेम प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप एग्जीक्यूट करोगे ठीक है बेस्ड अपॉन दैट रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैन दैट स्ट्रेटजी बी प्रॉफिटेबल देखो मार्केट में आई मीन मेरे कहने का मतलब है देयर इज अ ग्लिच इन द बैक टेस्ट देखो उसमें मैंने बताया लक एंड प्रोसेस कभी कभी वैसा भी होगा कि वो लक आगे हो समय मार्केट डायनेमिक्स चेंज होगी फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो प्रॉफिटेबल हो सकती है बट लॉन्ग टर्म में वो प्रॉफिटेबल बिल्कुल भी नहीं होगी तो आपको इल्यूजन में डाल देगा कि नहीं वो स्ट्रेटजी चल रही है
कुछ समय के लिए, ठीक है, वो इल्यूजन कुछ दिन का हो सकता है, कुछ हफ्तों का हो सकता है, कुछ महीने का भी हो सकता है, बट वापस वो लंबा नहीं जा सकता है, कि सालों का नहीं हो सकता इल्यूजन। एक पर्टिकुलर बैकटेस्ट कंपनी होती थी, उसके बैकटेस्ट स्टार्टिंग के बहुत गंदे थे, ठीक है, एंड फिर उन्होंने अपने उसी बैकटेस्ट के बेसिस पे जहां पे वो एक स्लिपेज वगैरह लेते होते थे, अब स्लिपेज लेते वक्त, स्लिपेज देते वक्त व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज rather than कि उनको exactly price कितने पे execute होगा, let's say 100 पे sell किया, 90 पे buy किया, अब वो execution उसके ऊपर नहीं करते थे, end में जाके percentage basis पे slippage निकाल के ले लेते थे, ठीक है, correct है। अब at the end of the day आपने leg wise अपना stop brokerage नहीं लगाई, आपने slippage to पे सब कुछ end में लगा दिया, अब chart के ऊपर तो आपका trigger होता जा रहा है, पर आप स्लिपेज लगा रहे हो एंड में, यू गेटिंग माय पॉइंट कि क्या हो रहा है? यस यस या तो इनफैक्ट इसके लिए अगर आप देखो कि जो ढंग से हम लोग करते हैं सोनिक अल्फा में करते हैं, हमारी बैंक टेस्टिंग सारी इन हाउस होती है, बिलीव मी हमारी एक भी बैंक टेस्टिंग कोई भी थर्ड पार्टी पे है नहीं, थर्ड पार्टी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हमें कोई उनसे मतलब दुश्मनी नहीं है, बट हमारे लिए क्या है कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो डेटा है यहाँ पे, और फाइनल प्रोडक्ट भी क्या डेटा ही है, ठीक है, तो हमारा जो रॉ मटेरियल डेटा है ना, उस डेटा पर मुझे विश्वास ही नहीं किसी पे कि कोई बढ़िया डेटा दे सकता है, इनफैक्ट जो डेटा वेंडर भी देते हैं हमें वो भी विश्वास नहीं कि वो सही दे रहे, हमने उसको दो चार जगह से रीवैलिडेट करवा लेते हैं डेटा को अलग अलग कॉम्बो बना के, ठीक है, तो इसलिए जितनी भी हमारी स्ट्रैटेजीज है, इनफैक्ट आप देखिए कि हमारे टोटल अरिहंत में लगभग 45 स्ट्रैटेजीज है, पहली बात की कोई भी बैक टेस्टिंग इंजन बना नहीं आज की तारीख में जो 45 स्ट्रैटेजी को एक साथ बैक टेस्ट करे और उनका कंबाइंड इक्विटी का बनाए, ठीक है, मैं बोलूँगी मेरे पास 45 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है जिसमें से कुछ बुलिश है, कुछ बेरिश है, कुछ मीन रिवर्जन है, कुछ क्रेडिट है, कुछ डेबिट है, कुछ वोलेटिलिटी के हिसाब से है, अब इन 45 के 45 फैमिली को मुझे बताने के ग्रीन में जा रहा है, रेड जा रहा है एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, हम एक एक सिंगल सिंगल स्ट्रैटेजी का निकालते हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने खुद ही हमारा एक बैक टेस्टिंग इंजन है जिसको हम खुद ही रन करते हैं, हमें पता है कि इस स्ट्रैटेजी के लिए मुझे बिड एंड आस्क का मीट लेना है, इस स्ट्रैटेजी के लिए नेक्स्ट ओपनिंग प्राइस लेनी है, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो और प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस लेनी है, तो उसके हिसाब से हमने खुद का ही हमने एक बेस्टिंग करते, हम कोई भी थर्ड पार्टी पे रिलाई ही नहीं करते, एब्सोल्युटली नो, हाँ थर्ड पार्टी कहीं यूज नहीं कर देंगे, जस्ट एक कम्फर्ट जोन के लिए शुरू का कुछ नया आइडिया है, वो नया आइडिया में थोड़ा समय नहीं है, अब मुझे एक मान लीजिए कुछ टेस्ट करनी है 12 या कुछ 2-3 हफ्ते का मान लीजिए हम यूज कर लेंगे, उसमें कोई भी हमें बुरा नहीं लगता है, बट जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, जो फाइनल टेस्टिंग होगा, वो हमारे एंड पे होगी, बिल्कुल हमारे डेटा पे होगी, तो दैट वे वी डू, तो जैसा आपको पता है कि हर स्ट्रैटेजी का प्लस होता है माइनस होता है, आप कैसे कर रहे हो, तो बैक अननेस के जो बैक टेस्टिंग इंजन है वो आपको ऑप्शन दे दे कि आपको ओपनिंग प्राइस प्रीवियस डेटा क्लोजिंग पे लेना है या नेक्स्ट प्राइस पे लेना है या मिसिंग डेटा ये है, वो देते भी नहीं किस दिन का मिसिंग डेटा भी आपके सिस्टम पे, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने चेक किया कि एक्सपायरी डेट कुछ अलग है और उसके एंड कभी होता है और वो डेटा मिसिंग है, तो उस मिसिंग डेट को उन्होंने कैसे चेक किया हो, कैसे उन्होंने कंफर्ट में डाला हुआ है, सो वो सारा हमें इनसाइट नहीं पता है, सो दैट द रीजन कि हम हमारी जो बैक टेस्टिंग होती है सारा कुछ सारा इन हाउस टेस्टिंग होती है, इनफैक्ट हम पूरी की पूरी जितनी भी स्ट्रैटेजी हम सारे एक साथ रन करते हैं, क्या करते हैं सारे एक साथ, क्योंकि हमने क्या कर गेमिंग वाला सर्वर ले रखा हुआ घर के लिए बैक टेस्टिंग के लिए, तो उस पर हम स्ट्रैटेजी में हम बोलते हैं कि आप एक ही स्ट्रैटेजी है, उसको हम 10 ढंग से चलाने के लिए 20 ढंग से चलाने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हम जो पैरामीटर 1-2-3 पैरामीटर 1-2-3 रन करके हम छोड़ देते हैं, तो पूरी की पूरी स्टडी को रन करते हैं, फिर बता रहे स्टडी में ये पैरामीटर बिल्कुल सही आया हुआ, फिर उसके बाद हमारे 45 स्टडी का हम उसमें कंबाइन कर डालते हैं, और फिर बोलते हैं मुझे उनका एक सिंगल इक्विटी कब दिखाओ, जनता क्या करती है सब हर एक सिंगल सिंगल स्टडी का बनाते हैं, नहीं मुझे पूरी पोर्टफोलियो ऑफ द स्ट्रैटेजी का एक सिंगल इक्विटी कैसा हो रहा है, तो वो हम उस ढंग से हम चलाते हैं, तो उसके लिए हम हमारा जो मोटा मोटा जो बैक्टर से सारा पैटर्न भी होती है, लेकिन जो हमारा ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पे हमें चाहिए कि अभी स्पीड चाहिए, तो वहाँ पे हम शिशा पे आ जाते हैं, जैसे आप जानते हो आप ऑर्डर करते हो पंडा नंबर डेट टाइम रिक्वेस्ट जैसे वैसे नहीं सारा कुछ हो रहा है, हम स्पीलर यूज करते हैं आज के तरीके में जो हमारा मशीन लर्निंग का कंसेप्ट उसके लिए करते हैं, बाकी इनफैक्ट मोस्टली जनता लोकल सीपीआई भी यूज करती है, बट हमने खुद के भी सीपीआई भी लिख रखे हुए, क्योंकि मुझे पता है कि लोकल यहाँ पे भी कुछ कुछ लिमिटेशन है, बहुत सारे बुकिंग हाउस है जिनके एपीआई काफी अच्छे है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे उनका जो ब्रोकर एसडीके है उसमें कुछ बहुत सारे लिमिटेशन होते हैं, तो उसके लिए हमने खुद के भी एपीआई टॉप ऑफ ब्रोकर एपीआई उसके ऊपर से हमने कुछ हमारे फ्रेमवर्क बना रखे, हमारे मॉड्यूल्स बना रखे हैं,
जो इनको भी तेज करता है, तो उसके हिसाब से हम यूज करते हैं। और जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें हर जगह देखना कि टूटा तो क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया तो क्या होगा, वो आपका सर्वर टूट गया या आपका फोन टूट गया या आपका ब्रोकर एपीआई बंद हो गया या आपका एक्सचेंज ही बंद हो गया तो आपका क्या होगा। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट आपको अक्रॉस द बोर्ड ध्यान रखना ही पड़ता है। सबसे क्रिटिकल है कि आप इनफैक्ट कोई भी स्टडी बना दो, अगर आपके पास ये बड़ा कंट्रोल में है और आपके पास ये चीज कंट्रोल में है तो आप सर्वाइव कर पाओगे। लेकिन आपके पास स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है लेकिन आपने ये दो चीज पे कंट्रोल नहीं करा तो वो आपको डिजास्टर दे सकता है। तो मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट, ये सारा कुछ है। और ऑन द टॉप ऑफ दैट ये हमारे क्रिटिकल फैक्टर है। बाकी फैक्टर्स सब बेसिक्स पे है, इनफैक्ट हमारी स्टडी आप देखोगे भी टाइप डिसाइड भी करने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा बहुत सिंपल सिंपल से स्ट्रैटेजी को ही बना के यूज करेंगे। वो सिंपल स्ट्रैटेजी ही लॉन्ग टर्म में चलती है, जितनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी को उतनी आप कॉम्प्लेक्सिटी में चले जाओगे। बट यस, वी डू हैव 45 प्लस डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर डिफरेंट डिफरेंट मार्केट पर इन को कैटेगरीज में से कम 18 से 20 स्ट्रैटेजी डेली चलती है। ठीक है, स्ट्रैटेजी से बेस्ड ऑन की वॉल्टी के अगर वॉल्टी भी थोड़ी कुछ स्ट्रैटेजी ट्रिगर होगी वॉइस वो स्ट्रैटेजी ट्रिगर्ड नहीं होती। तो हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल कितने स्ट्रैटेजी चले गए, कितने कैपिटल डिप्लॉय हो गया, कैपिटल फ्री है क्या, कुछ स्ट्रैटेजी को डालने के लिए 24 स्ट्रैटेजी को डालने के लिए और वॉल्टी या बाकी कंडीशंस मैच करे देन ओनली इट विल गो अप टू 24। अदरवाइज 18 से 20 स्ट्रैटेजीज है जो ऑलमोस्ट डेली चलती है, जितनी भी हमारी एक्सपायरीज होती है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है मोस्टली इंडेक्सेस में ही है। तो आज की तारीख में हम इंडेक्सेस ही ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी स्टॉक्स में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो चार्ट है वो टेस्टिंग कर रहे हैं कि हमने सारे इंडेक्सेस पे कर रखी है। ओके, या बट यस, दैट इज द फ्रेमवर्क यू एक्चुअली यूज फॉर एल्गोरिथम। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, या दिस इज हेल्पफुल, दिस इज हेल्पफुल। क्योंकि हमने हम क्या हम जनता क्या सोचते हैं कि एक सिंगल सा स्ट्रैटेजी है जो चल जाएगी, हम बोलते हैं कि हमारी 45 में से कोई तो 20 चलेगी, उस 20 में से भी 10 सक्सेस होगा 10 फेलियर होगा। तो हम ऐसे नहीं बोलते कि बस मेरी दुकान में केवल अमूल का ही दूध रखना है, मदर डेयरी का नहीं रखना है, हम बोलेंगे हम सब रखेंगे जो उस दिन चाहिए चल जाए, ये चल जाए ज्यादा। सो दैट वे वी कीप ऑल द स्ट्रैटेजीज ऑन द टेबल, वी ट्राई टू कीप एज वेरिएशन एज पॉसिबल। हमें किसी से लगाव नहीं है कि बाबा मुझे इससे कमाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये भी नहीं है कि बाबा निफ्टी से कमाना, बैंक निफ्टी से कमाना। जनता ये भी होती है कि इनफैक्ट मुझे याद है कुछ महीनों पहले तक जनता बोलती थी, संतोष आप मिड कैप में क्यों कर रहे हो, आप फिन निफ्टी में क्यों करते हो ट्रेड, आप सेंसेस में क्यों करते हो ट्रेड, सबसे चंगा बढ़िया है निफ्टी बैंक निफ्टी, हम तो वही करते हैं, आप इतना जगह क्यों जा रहे हो। क्योंकि हमें जब फेब में चोट लगी थी लोगों ने दोस्तों लोगों ने एडवाइस किया था कि आप वहां पे मत करो, बड़ा हमने बताया भाई ये 10 समय की बात है, आज निफ्टी में मिड कैप में हो सकता है, निफ्टी में भी आ जाओ, हो सकता है शायद निफ्टी में आ जाओ, तुक्के में कहा था मैंने ठीक है। तो मुझे ये पता था कि यार निफ्टी में बहुत ही डिपी है, वो बोले नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि निफ्टी में भी आ सकता है। क्या हुआ, हार्डली 2 महीना हो गया और निफ्टी में भी एक बड़ा सा इराटिक मोमेंट्स आ गया जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो वी एक्सपेक्ट कि मार्केट में ऑलवेज एक्सपेक्ट कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज हो सकता है ठीक है। तो जस्ट तैयार हो कि अपेटाइट है झेलने की तो आप ट्रेड करो, अपेटाइट नहीं है तो बिल्कुल भी मत करो। और आखिरी में अगर मैं बोलूंगा तो हमारे मोटा मोटी हमारे जो है जनता मेरे पास बहुत होती है, बहुत सारे दोस्त लोग भी वो आखिर तो एक शादी को बता, हम बताए कि हमारे सुपर स्टोर है ठीक है, जैसे वॉलमार्ट सीट होता है या इंडिया में रिलायंस फ्रेश होता है या डीमार्ट होता है, जिनके दुकान में ढेरों सामान होते हैं, हमारे यहाँ भी ढेरों सारी स्ट्रैटेजीज पड़ी हुई है, जितने भी पॉसिबल कॉम्बोज है, क्रेडिट है, डेबिट है, नॉन डायरेक्शन है, डायरेक्शन है, आज की तारीख में क्या इंटरेस्ट है, हमें किसी से लगाव नहीं है कि बस हमें केवल बैंक से कमानी है, सेलिंग से कमानी है, हमें कि कहीं से भी लीगल पैसा आ रहा है तो ले लो दैट इज व्हाट, हमें वेज हो नॉन वेज हो, इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, वेस्ट इंडियन हो, कुछ भी हो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें पेट भरना चाहिए, पैसा लीगल होना चाहिए, अच्छा खाना होना चाहिए, दैट्स इट, दैट इज व्हाट वी फॉलो। क्लोज करने के लिए बताऊंगा कि आपको जो भी नए लोग आ रहे हैं आप कोशिश करोगे हमें प्रोसेस से कमाना है, हमें लक से नहीं कमाना, तो ये नहीं होना चाहिए हमें कहाँ से कमाना है, प्रोसेस ड्रिवन होना चाहिए। प्रोसेस में याद रखना है कभी ड्रॉ डाउन के फेज भी आएगा, आपको झेलना है, तो डिस्क्रिशनरी बिल्कुल भी हम लोग बिल्कुल ना है, मतलब वो जहमत हमें कि हम केवल अल्गो से चलाएंगे, प्रोसेस से चलाएंगे, हमें कोई डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग बिल्कुल भी कतई भी नहीं करना, अनलेस के टेक्निकल फॉल्ट हो जाए, वेब ब्रोकर के यहाँ पे कुछ एपीआई डाउन हो गया, जहाँ पे हमें मैनुअल इंटरवेंशन होता है वहीं पे करते हैं, अदरवाइज हम स्ट्रैटेजी से छेड़खानी बिल्कुल नहीं करते हैं। मैं मोस्टली जो फोकस करना है हम बोलेंगे स्ट्रैटेजी पे ज्यादा फोकस मत करो, ज्यादा फोकस कहाँ पे करो आप लोग, रिस्क मैनेजमेंट पे करो और
मनी मैनेजमेंट की, क्योंकि अगर 45 स्ट्रेटजी है तो मतलब मैं किसी एक सिंगल स्ट्रेटजी पे फोकस ही नहीं कर रहा हूँ। मेरे जो सारे 45 स्ट्रेटजी मेरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो हमारा होता है रिस्क मैनेजमेंट और दूसरा होता है मनी मैनेजमेंट। यहीं पे ही आपका क्रक्स है, आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना तो यहीं पे टाइट करना है। इनफैक्ट जनता बोलती है संतोष आपकी अग्रेसिव स्ट्रेटजी, क्लियरली बोलता है हमारी स्ट्रेटजी क्या है, काफी अग्रेसिव है, वी आर अग्रेसिव नेचर में, नेचर में अग्रेसिव ट्रेडिंग है, मैं अग्रेसिव करता भी हूँ। जहाँ छपना होता हूँ जब छपते जहाँ में टुकती है हमारे डबल डिजिट में भी टुकी हुई है, बट ये अग्रेसिव नेचर है। खुद ही कम कर रखा हमने एक्सपोजर बिकॉज ऑफ निफ्टी, हमने एक्सपोजर कर रखा, मुझे भी आगे रेडी भी आ गया है। अगर आपको जैसे मैंने बताया कि मेरी लाइफ की जर्नी है अभी तक की, आपको इवॉल्व करते जाना है, आपको किसी एक इंस्ट्रूमेंट में शादी नहीं कर लेनी है, इसके साथ एक साथ नहीं करना है, नहीं, बिकॉज द सेम फ्रेमवर्क इज समथिंग दैट आई आल्सो फॉलो। आई थिंक दिस वीडियो विल सर्व एज अ गुड फ्रेमवर्क फॉर पीपल हु आर यू नो लुकिंग फॉरवर्ड टू डू एल्गो ट्रेडिंग। ये सारा कुछ कवर कर देता है कि उनको एक प्री रिक्विजिट एक्चुअली क्या चाहिए। इट डजंट गो इनटू द स्ट्रेटजी पार्ट बट इनटू द रिक्वायरमेंट पार्ट कि उनको उनके पास क्या होना चाहिए। सो आई थिंक या आई एम क्लियर ऑन दैट पार्ट। इनफैक्ट मैं मस्ती में लाइन बोलता हूं जो काफी जनता को समझ में आती है, माय स्ट्रेटजी इज नॉट अ स्ट्रेटजी। या ये सब समझ जाओ, जो नहीं समझ सके नहीं समझे। तो मसी बोलते हमारी strategy is actually not a strategy, it's a framework actually, it's a framework। ठीक है, हमारा framework है, हमारा पूरा process है, हमारा क्या, हम केवल एक strategy पे नहीं काम कर रहे हैं। हमारे 45 strategy है। जनता मुझे बोलती है संतोष बताओ क्या strategy है, और क्या बता सकता हूँ मैं, इतने सारे दुकान में सामान रखे हुए हैं जिसमें से एक बुलिश भी है, एक बेरिश भी है, एक मोमेंटम भी है, एक शॉर्ट टर्म भी, एक लॉन्ग टर्म भी है, वो सारा कुछ का कॉम्बो बना। हम फैमिली को चाह रहे हैं एक सिंगल सा स्ट्रेटजी पे हमारा दम है। हर स्ट्रेटजी का एक अलग सा आरआर फ्रेमवर्क रेशियो है, किसी में हम जल्दी बुक करते हैं, किसी हम लेट बुक करते हैं, क्योंकि हम अगर हमने सभी स्ट्रेटजी का एक ही सिंगल स्टॉप लॉस पॉइंट रखा तो सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हो सकता है कि स्ट्रेटजी दिन में आपका अलग अलग जगह से चालू हो। एक ये भी ध्यान रखना है कि हो सकता है कि मॉर्निंग में आपकी स्ट्रेटजी एक 9:15 पर अलग ढंग से चालू हो, 9:20 पर अलग ढंग से चालू हो, 9:30 पर अलग से ढंग से जो 9:45 हम बोलेंगे हमारे पास 5 डिफरेंट स्ट्रेटजीज आ गए। लेकिन हो सकता है कि ये पांचों स्ट्रेटजी का फर्स्ट एडजस्टमेंट जब मार्केट ऊपर भागना हो गया तो वो सारा तोड़ता कॉल, सारे पुट को तोड़ के सब कॉल पे आ गए। ठीक है, सेकंड एडजस्टमेंट में और ऊपर चले गए और बाद में 3:15 हो गया मार्केट पूरा ही गिर गया, तो सारा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो गया। और तो दिन की शुरुआत में अलग अलग जगह पे हो, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि एडजस्टमेंट करते समय एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर पर ना जावे, क्योंकि फर्स्ट एडजस्टमेंट पे भी वो सारे एक लहर जहां बढ़ रही सारी स्ट्रेटजी वहीं पर जाने चालू हो जाती है, सेकंड एडजस्टमेंट में और करीब में आ जाती है, और थर्ड में बिल्कुल एक सिंगल पॉइंट पे आ जाती है। आपने देखा भी होगा कि अगर 10-20 स्ट्रेटजी चला रहे हो तो आपको देखना है कि अगर 4 एडजस्टमेंट हो गया तो 4 एडजस्टमेंट के बाद स्ट्रेटजीज कहाँ पे आ गई, क्या 4 एडजस्टमेंट के बाद स्ट्रेटजीज एक तो नहीं होगी, और तो शुरू में 10 थी, बट जैसे ही जो होता है एडजस्टमेंट हो गया सारी स्ट्रेटजी में तो वो एक सिंगल स्ट्रेटजी का बिहेवियर में आ गया है। तो हमें उस ढंग से स्ट्रेटजी के स्टॉप लॉस डालने पड़ते हैं या ट्रिगर पॉइंट जानने पड़ते हैं कि भले ही वो 10 एडजस्टमेंट भी हो जाए लेकिन तब भी वो अलग अलग स्ट्राइक्स पे हो, अलग अलग अंडरलाइन के प्राइस पे उसका उनका स्टॉप लॉस हो, न कि सिंगल स्टॉप लॉस पे आ जाए, ताकि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होने चाहिए। तो आप अगर डिफरेंट स्ट्रेटजीज भी बना रहे हो तो डिफरेंट स्टॉप लॉस भी होने चाहिए ताकि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर पे कभी भी ना आवे। ओके, तो ठीक सर जी, दिस इज माय कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अवॉइड जस्ट एक ही है कि मुझे मार्केट हाउस में बिल्कुल भी तंग ना किया जाए। ठीक है, सो वी गिव द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बट वी से कि बस हम मार्केट हाउस में हम धंधा करते हैं, वहाँ बिल्कुल भी ज्ञान की बातें नहीं करते, और तंग भी करना तो केवल 3 घंटे का स्कोप देते, 3:30 to 6:30 लोग आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, बट बाकी टाइम में वी से कि प्लीज 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 बिल्कुल ही हमें तंग ना करना, प्रीफर्ड व्हाट्सएप पे ही देना, कॉल भी मत कीजिए। सॉरी, चलो ठीक है, मैं इसके अंदर क्या करूंगा कि इस वीडियो के अंदर आपको टैग कर दूंगा, देन इफ एनी क्वेरीज कम यू टेक इट फ्रॉम हियर। ओके, सो थैंक्स अ लॉट संतोष भाई फॉर द सेशन, है ना। आई थिंक इट विल बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर समवन हु वांट्स टू डू एल्गोरिथम्स, सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट विल बी वेरी गुड, सो थैंक्स अ लॉट।
थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच रोहित सर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। आई होप इससे जितने भी जनता जो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में आना चाहते हैं या जितनी भी नई टेक्नोलॉजी में आना चाहते हैं, नॉट ओनली एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, आप समय से आगे थोड़ा सा एक साल या दो साल रहने की कोशिश करो तो दैट वुड हेल्प यू टू ग्रो फर्दर। आपको खुद ही आप इवॉल्व होंगे लाइफ में, यही मैं जी का आप इवॉल्व होते जाओ लाइफ में। थैंक यू सो मच रोहित सर, थैंक यू।